गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वेबिनार के सभी वक्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत। साथ ही साथ इस वेबिनार में सारे हिंदी प्रदेशों से जुड़े हुए तमाम श्रोताओं को भी हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत है। आप सभी के स्वागत करते हुए मुझे ये बहुत हर्ष हो रहा है कि आज इस वेबिनार का आयोजन समुन्नति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एफपीओ के हमारे साथियों के लिए किया गया है और ये वेबिनार समुन्नति ग्रुप की जो प्रतिबद्धता है एग्री क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सहयोग करने की और किसी सारे अपने सहयोग और अपने इंटरवेंशन के थ्रू एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की जो समुन्नति की प्रतिबद्धता है, ये उसका प्रमाण है। पिछले साल हमने अक्टूबर माह में दिल्ली में एक बड़ा आयोजन किया था जिसकी पूरे भारत में बहुत सराहना हुई थी और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने इस साल 4 जून को राष्ट्रीय स्तर का एक और वेबिनार आयोजित किया जिसकी काफी सराहना की गई। सारे एग्री क्षेत्र की कंपनियां, सारे प्लेयर्स उसमें सम्मिलित हुए और उसका काफी लाभ और एक दूसरे को मिला। काफी चर्चाएं हुई, काफी एक दूसरे के गतिविधियों के संबंध में, एक दूसरे के क्रियाकलापों के संबंध में और उनके विचारों का आदान प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से हमें ये समझ में आया कि हमें इस वेबिनार को, इस चर्चा को, इस संवाद को क्षेत्रीय स्तर पर भी ले जाने की जरूरत है, अलग अलग भाषाओं में। इसी कड़ी में हमने इस वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया है। इस कड़ी में ये वेबिनार हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए विशेषता किया गया है, जिसमें कि MP, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस सारे प्रदेशों के हिंदी भाषी लोग और सारे हमारे किसान बंधु, उनकी किसान समूह, किसान संस्थाएं इस वेबिनार में जुड़ रही हैं और हमारे जो पैनलिस्ट भी हैं, जो आज वक्ता भी हैं, वो भी इन्हीं फार्मर्स ग्रुप से, इन्हीं किसान समूहों से, इन्हीं किसान कंपनियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके संचालक हैं, जिन्होंने वास्तविक धरातल पर किसानों की समस्याओं को देखा है और उनके लिए वो प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से उनको सहयोग करके आगे बढ़ाया जाए। तो आज मुझे आशा है कि ये वेबिनार हम सबके लिए एक बहुत ही फायदेमंद संवाद साबित होने वाला है, जहां पर कि एफपीओ के लोग एफपीओ के लिए और एफपीओ के लोगों से बात करेंगे और आपस में हम एक दूसरे के संवाद के थ्रू हम अपनी जो समस्याएं हैं, अपना जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में हमारे भाई बंधु जो अच्छा काम कर रहे हैं और इन समस्याओं से आगे बढ़ के अपने आप को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं, उन सब की जानकारी हम साझा कर पाएंगे और एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के संवाद से हम फायदा लेकर अपने भी क्षेत्रों में हम उन्नति कर पाएंगे। हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रमील कुमार गुप्ता जी हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं। इनका बहुत ही लंबा एक कैरियर रहा है एग्री क्षेत्र में, वृत्ति जैसी संस्था को इन्होंने हेड किया है और किसान समूहों के संगठन को बनाने से लेकर किसान समूहों को एक ऊंचाई तक पहुंचाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ये लगातार किसान समूहों के साथ, किसानों के साथ काम करते रहे हैं। आज ये इस वेबिनार का संचालन करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे साथ धीरेंद्र मिश्रा जी हैं छत्तीसगढ़ से, जिनकी एग्रोक्रेट सोसाइटी पिछले लगभग 20-22 वर्षों से किसान समूहों के साथ काम कर रही है और लगातार इन्होंने ग्रामीण स्तर से लेकर जो सुदूर अंचल में आदिवासियों के साथ भी काम किया है और वहां से उनको जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इनका महती प्रयास रहता है और लगातार इन्होंने बहुत सारा ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट किया है।
जिसका और इनके अनुभव से आज हम सब फायदा ले सकते हैं, इनके माध्यम से बहुत कुछ आज जानने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमारे साथ अन्य हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें श्री गौतम शर्मा जी हैं जो कि बनास एफपीओ से संबंधित हैं। इन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करी हैं और ये गौतम शर्मा जी रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और तीन एफपीओ को ये आज की डेट पर उनको हैंडल करते हैं, उनको सहयोग प्रदान करते हैं। उनका एंड टू एंड जो सपोर्ट चाहिए वो पूरे वैल्यू चेन को और उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल कराते हैं और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे उनके साथ जुड़कर काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे गुजरात प्रदेश की जो परिस्थितियां है वहां के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका हम सबको फायदा मिल पाएगा आज इनके माध्यम से। इसी प्रकार रविंद्र गौर जी हैं हमारे साथ राजस्थान से, तो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां और राजस्थान का जो कृषि का अपना डायनामिक्स है वो बिल्कुल अलग है, जिस प्रकार की हर प्रदेश में अलग अलग कृषि का डायनामिक्स होता है। तो निश्चित तौर पर शुभ लक्ष्मी एफपीओ के रविंद्र गौर जी के भी अनुभव से आज हम सब फायदा ले पाएंगे। साथ ही साथ इसमें दो हमारे पैनलिस्ट और जुड़ने वाले हैं, एक मृणाल अग्रवाल जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। इन्होंने बहुत ही कम आयु में एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ और होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर फील्ड को चुना और बहुत ही आधुनिक तरीके से ये अपने क्षेत्र में खेती और किसान समूहों को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित तौर पे इनसे भी इनके भी ज्ञान का और इनके अनुभव का हम सबको आज फायदा मिलेगा। इसके अलावा हमारे साथ मैं आप लोगों को परिचय करा देता हूँ, समुन्नति ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट और अन्य लोग भी हमारे साथ आज शामिल हैं। हमारे साथ श्री श्रीधर ईश्वरन जी हैं जो कि समुन्नति के फाउंडर मेंबर भी हैं और इन्होंने समुन्नति की पूरी जर्नी देखी है और समुन्नति को आज इस स्तर पर पहुंचाया है। साथ ही साथ हमारे साथ हैं श्री नरेश कुमार जी जो कि एफपीओ बिजनेस को पूरे भारत में हैंडल करते हैं और एफपीओ के सपोर्ट सिस्टम को ये आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं और समुन्नति की सारी जो सर्विसेज हैं उसको किसानों तक और किसान समूहों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ विनीत शर्मा जी हैं जो मार्केट लिंकेज स्पेशली जो किसान समूहों की या किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है उसके लिए काम करते हैं। इसके साथ साथ मेरे सहयोगी अभिषेक प्रकाश जी हैं जो राजस्थान और गुजरात प्रदेश के प्रभारी हैं और इन प्रदेशों में किसान समूहों के साथ काम कर रहे हैं। मैं अजीत कुमार सिंह, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट समुन्नति ग्रुप में हूं और एफपीओ वर्टिकल में, एफपीओ बिजनेस में एमपी छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषी प्रदेशों में काम करता हूं। तो इस सब संवाद को, इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रमेल गुप्ता जी को कि अब वो इस कार्यक्रम का संचालन आगे लेके चले। प्रमेल गुप्ता जी। धन्यवाद अजीत भाई और उपस्थित यहाँ पर विशेषज्ञ एफपीओ के लीडरान विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से जो जिन्होंने अभी ज्वाइन इस वेबिनार को किया है। साथियों, हम सब लोग जैसा कि आपको विदित है कि COVID-19 के संकट से जूझ रहे हैं और हमारी कृषक उत्पादक कंपनियां अलग अलग स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। समुन्नति ने जो ये वेबिनार रखा है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कैसे हम अपने क्षेत्रीय भाषा के आधार पर, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उन राज्यों में जो कृषक उत्पादक कंपनियों में जो साथी जो कार्य कर रहे हैं और उन्होंने जितने उनके जो हितग्राही हैं, चाहे प्राथमिक हितग्राही उसके सदस्य हैं, कृषक सदस्य, या द्वितीयक हितग्राही सेकेंडरी स्टेक होल्डर जो भी उनकी सप्लाई चेन भाव श्रृंखला से संबंधित हैं या वित्त से संबंधित हैं, बाजार से संबंधित हैं,
उन सब ने अभी इस पिछले 3-4 महीने के दौर में अनेक चुनौतियों का सामना किया है। तो यह जो वेबिनार है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग एक साझा समझ बनाएं चुनौतियों के ऊपर, और साथ में बहुत सारे एफपीसीज ने बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है इस समय इन चुनौतियों से निपटने के लिए। जो बाधित भाव श्रृंखला थी, सप्लाई चेन थी, उनको उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में अभिनव तरीके से सीधे कस्टमर तक जोड़ा है, और भी बहुत सारे व्यापक पार्टनरशिप स्थापित करके, नई पार्टनरशिप स्थापित करके उन्होंने बिजनेस को संभाला है। तो आज हम उस के ऊपर भी बातचीत करेंगे। साथ में अभी हम जानते हैं कि जो यह बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात है एफपीओ की, यह बहुत चुनिंदा एफपीओ ही कर पाई हैं। अभी बहुत सारे एफपीओ हमारे इस क्षेत्र में ऐसे हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आगे का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे हम इन एफपीओस को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं जिससे यह बाजार और अपने सदस्यों को अधिकतम लाभ की स्थिति प्रदान कर पाए। तो साथियों, इन तीनों मुख्य बिंदुओं के ऊपर हमारी आज की चर्चा रहेगी, और इस चर्चा के ऊपर जो हम लोग मुख्य रूप से, हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके साथ में ये कहना चाहूंगा कि जब वो अपनी चुनौतियों बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करें, साथ में वो इन बातों को भी साझा करें कि जो मेंबर एंगेजमेंट है इस संकट की स्थिति में, उन्होंने उसको कैसे संभाला, वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मेंबर्स की जो थी, अपेक्षाएं जो मेंबर्स की थी, और जो हमारी तरफ से जो कृषक उत्पादक कंपनी की तरफ से जो उनको सेवाएं दी गई या जो उनके लिए सुविधाएं दी गई, उसको समझने की बात है। और साथ में पूरा कृषक उत्पादक कंपनी के परिदृश्य में जो बातचीत हम लोग सदस्यों को लेकर करते हैं, उनके जुड़ाव को लेकर कृषक उत्पादक कंपनी में करते हैं, उसके बारे में बातचीत हम लोग करेंगे। हम लोग बातचीत करेंगे कि इस परिदृश्य में कैसे जो क्षमता वर्धन का काम है कृषक उत्पादक कंपनी, उनके सदस्यों का, उनके बोर्ड का, उनके स्टाफ का, वो कैसे हो, या उसके क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एक्सेस टू कैपिटल की बात होगी, जो एक बड़ा मुद्दा है जो जो किसी भी कृषक उत्पादक कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। पूंजी कई बार मिल भी जाती है तो उस पूंजी का कैसे उपयोग करते हैं, सही उपयोग कैसे करते हैं, कैसे कैश फ्लो मेंटेन करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर, हालांकि समन्वति के साथ में हमारे विशेषज्ञ साथी भी यहाँ पर हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। इनपुट एग्रीगेशन के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, वैल्यू एडिशन और मार्केट लिंकेजेस के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, और साथ में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेषकर जो डाटा है किसान का, और जो जरूरत है जो पार्टनरशिप के लिए, जो नई कंपनियों के लिए, जो अलग अलग बाजार के माध्यम से जो कृषकों के जो उत्पाद हैं उनको लिंक करना, या वित्तीय सुविधाओं से लिंक करना, उन सब के लिए डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोगी है, उसकी बातचीत हम लोग करेंगे। तो अब साथियों, मैं आज की जो वार्ता है मैं यहाँ पर प्रारंभ करना चाहूँगा, और हमारे सबसे पहले स्पीकर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, श्री गौतम शर्मा जी, जो कि बनास एफपीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर इन्होंने करीब 3 कृषक उत्पादक कंपनियां गुजरात क्षेत्र में निर्मित की हैं, उनके साथ कार्य किया है। साथ ही इनका जो मुख्य जो कार्य है, जो सबसे बेहतर कार्य है, वह इन्होंने 3 कमोडिटी के ऊपर किया है, जीरा और कैस्टर जो अरंडी है, मूंगफली है, इसकी इन्होंने अपने किसान जो उत्पादक कृषक हैं उनको बेहतर बाजार NCDX के माध्यम से, इन्होंने किसान यार्ड, ऑनलाइन बिक्री समन्वति के साथ में मिलकर, ओलम जैसी कंपनी के साथ में मिलकर स्थापित करके इन्होंने किया है। हम धीरेन्द्र मिश्रा जी के पास पहुंचते हैं। धीरेन्द्र मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से हैं,
और इनका करीब 25 वर्ष का अनुभव है। और सबसे बढ़िया जो इनका जो काम है वह यह है कि कृषक उत्पादक कंपनी का जो जुड़ाव है वह एक सदस्य के रूप में कृषक का कैसे हो और उसके लिए कैसे जो एक डिमांड है वो बिल्ड होनी चाहिए, ना कि बहुत सारी परियोजनाओं में बहुत सारी रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कृषक उत्पादक कंपनी का निर्माण किया जाता है जो आगे चलकर सभी सदस्यों का जुड़ाव नहीं हो पाता। लेकिन जो मिश्रा जी ने जो कार्य किया है उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एक जो मॉडल है जिसमें वो कहते हैं कि जो भी मेंबर फार्मर हो कम से कम उसका प्रतिदिन 1,000 रुपये की आमदनी होनी चाहिए, इस तरह की व्यवसायिक योजना उसकी हो और उसकी संबंधता कृषक उत्पादक कंपनी के साथ हो, तब जो है लंबे समय तक कृषक उत्पादक कंपनी भी कार्य करेगी और साथ में जो सदस्य है वह भी उसके साथ में जुड़कर कार्य करेगा। तो मैं यहाँ पर अनुरोध करूंगा मिश्रा जी से कि वह अपना छत्तीसगढ़ का जो उनका अनुभव है, और ये बहुत अनुभव हमारे, क्योंकि जो हम लोग अधिकतर जो चुनौती देखते हैं वो कृषक उत्पादक कंपनी के उनके जो सदस्य हैं उनकी भागीदारी, उनका जुड़ाव, जो रियल जुड़ाव है उसके ऊपर स्ट्रगल करती हैं कृषक उत्पादक कंपनियां। तो मिश्रा जी थोड़ा सा आप बताइए कि आप कैसे, आप छत्तीसगढ़ में आपके मन में विचार कैसे आया कि हमको हर सदस्य को 1,000 रुपये कम से कम आमदनी, 1,000 रुपये का कार्य होना चाहिए प्रतिदिन, इस तरह की उसकी सूक्ष्म योजना बने, व्यवसायिक योजना बने उस सदस्य की कृषक उत्पादक कंपनी के साथ मिलकर, थोड़ा सा आप इसके ऊपर अपने पूरे विचार हम लोगों को बताइए। आप सभी गणमान्यों को नमस्कार। जैसा कि प्रमेल जी ने कहा कि हमारी हमारा जो योगदान है छत्तीसगढ़ में, मैं उसमें एक हमारी संस्था का जो गिलहरी प्रयास है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोग छत्तीसगढ़ में सुदूर वनांचल में कार्य करते हैं और अभी वर्तमान में हमारे साथ में एक एफपीओ का भी हम लोग उसके कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और उसके साथ में एक बिजनेस मॉडल खड़ा करने का तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या कर रहे हैं उसमें काम भी चल रहा है और उसमें जो चुनौतियां जो सामने आई, जैसा कि प्रमेल जी ने बताया, चुनौतियां मुख्य रूप से ये सामने आई कि लोग एफपीओ में एफपीओ तो गठित हो गया लेकिन जो उसका आत्मा, जो उसका स्वरूप है, जो उस ढांचे का जो आत्मा है, जो उसके सदस्यगण है, उनका जुड़ाव उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था। तो हम लोगों ने जो अनुभव किया और जो हमारे पुराने कार्य हैं जिससे हम लोग अपने आप को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि नवांजोर परियोजना करके छत्तीसगढ़ में एक योजना संचालित हुई थी जिसमें हमने 250 ग्रुप, कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप हमने खड़ा किया था। मैं बड़े गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि इन 250 समूहों के साथ जब हमने काम किया तो आज गरियाबंद जिले का छूरा विकास खंड, जो कि उसकी सामाजिक और आर्थिक पूरी परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया। हम लोगों ने वहां ये काम किया कि जो कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप, मतलब एक समान स्तर के जो सदस्य हैं और जो एक समान स्तर पे होते हुए एक समान रुचि रखते हैं, तो हमने सबसे बड़ी समस्या जो खेती किसानी के क्षेत्र में देखा कि लोगों के अंदर में अपने कार्य को करने, अपने खेती के कार्य के प्रति जो उदासीनता है उसको हमने पहचाना और उस उदासीनता को ही लेकर के हमारी संस्था ने वसुधैव कुटुंबकम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के राह में अपने आप को आगे किया और हमने सफलता मिलती चली गई। हमने 250 समूहों में से 117 समूह को, जो रेनफेड एरिया के किसान थे, उनके एक समान जो रुचि को देखते हुए उनके लिए हमने जो उनकी समस्या, मुख्य समस्या थी सिंचाई का संसाधन, हमने सभी 117 समूह, जिसमें लगभग एक समूह में 8 से 9 से 10 किसान होते हैं, उन समूहों को हमने उनके जमीन से जोड़ करके, इसमें सदस्य मायने नहीं रखते थे, उनके चक, उनके खेत के जो चक थे वो मायने रखते थे, उन चकों को हमने एक साथ, जिनके 10 से 15 एकड़ चक, एक जिनके चक एक साथ
आते थे, एक जगह बन रहे थे, ऐसे 8 से 10 किसानों का समूह बनाया जिनको हमने नाम दिया कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप, और उनके बीच में उनके लिए सिंचाई का संसाधन ट्यूबवेल का निर्माण करवाया। और इस ट्यूबवेल के निर्माण कराने के लिए भी हमने सामूहिकता, सामुदायिकता का क्या ताकत होता है इसको दिखाने के लिए, इसको समझाने के लिए हमारे किसान भाइयों के साथ में जो ट्यूबवेल करने वाली जो मशीनें होती हैं, बोरवेल जो मशीन होती है, उनके कंपनियों को लाकर के बकायदा उनकी बैठक कराना और उन सब किसानों के समूह के साथ उनकी बैठक के साथ बार्गेनिंग, मतलब मोल भाव की क्षमता कैसे पैदा होती है, संगठन में क्या ताकत होती है और कम से कम मूल्य में कैसे हम अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी लागत को कम करते हुए हम किस प्रकार अपना कार्य संपादित कर सकते हैं, ये समझ हमने किसानों के बीच में दिया। और किसान जब 117 जब ट्यूबवेल उस क्षेत्र में चूरा के 53 पंचायतों में जब यह ट्यूबवेल हुआ, तो आप यकीन मानिए आज स्थिति यह है कि हमारे वो किसान जो कभी पत्थर तोड़ने जाया करते थे, जो माइग्रेट होते थे, जो प्रवासी मजदूर हुआ करते थे, आज अपने घरों में रहते हैं। और उन्हीं का वर्षन है, उन्हीं का कहना है कि पहले वो पत्थर तोड़ते थे, उनके मकान कबेलू के हुआ करते थे, आज उनके मकान इतनी आमदनी हुई कि वो लिंटर के हो गए, पक्के मकान हो गए। वजह ये कि काम करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास, और सामूहिक रूप से जब प्रयास किया गया तो हमने एक और उनके बीच में मात्रा रखा कि हमारे समूह में वही लोग सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करेंगे जो प्रतिदिन अपनी आमदनी 500 रुपए, आज के डेट में हम 1000 रखे हुए हैं, पहले हमने 500 रुपया रखा हुआ था, 500 रुपया प्रतिदिन कमाने का मादा रखता है, अपने अंदर विलिंगनेस रखता है। तो ऐसे लोगों का हमने समूह बनाया और समूह बना करके उनके पास में गतिविधि सिंचाई का संसाधन दिया, और वो सभी किसान अपने खेतों में धान की फसल के साथ साथ सब्जी का उत्पादन करना शुरू किए, और आज उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना बेहतर हो चुकी है। और जब कोई व्यक्ति 500 रुपए कमाने का प्रयास करता है तो उससे बाजार में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका भी हम एक आकलन कर लें कि बाजार में जब 500 रुपए कमाने के लिए कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उसका इनपुट भी उसके साथ में लगभग 1500 से 2000 का इनपुट लगता है। तो कहीं ना कहीं पूरा मार्केट मोबिलाइज हुआ, और मार्केट मोबिलाइज होने के साथ में हमारे किसानों की स्थिति में भी सुदृढ़ता आई, उनके आर्थिक सामाजिक वातावरण में परिवर्तन आया, और ये एक ऐसा मॉडल बना जिसमें हमारे कई सारे कंसल्टेंट लाइवलीहुड का जो आप कह सकते हैं मॉडल है, दिल्ली से बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हमारे मॉडल को देखने के लिए ग्राम रसेला और छुरा का एक ग्राम पंचायत क्षेत्र है, वो सेंटर पॉइंट है, तो वहाँ लोग देखने आया करते हैं कि हमारा लाइवलीहुड का मॉडल क्या है। और आज जो हम तखतपुर प्रोड्यूसर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी की जो बात कर रहे हैं, वहाँ भी हम इस कार्य को करने में आंशिक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हम उन किसानों के साथ में उनको सामूहिकता का बोध देते हुए किस प्रकार हम जब एकत्र होकर के एक साथ काम करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ बातें करते हैं, एक दूसरे को मन को जानते हैं, हमने उनके बीच में उद्यमशीलता क्या होती है इसकी समझ बनाने का प्रयास किया। हमने किसानों को बताया कि आप अपने एक एक पैसे को जोड़िए, क्योंकि कोई भी व्यापारिक गतिविधि, कोई भी व्यावसायिक गतिविधि बिना पैसे की गणना किए बिना पूरी नहीं होती। कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं हमारे किसान भाई पैसे की गणना नहीं करते। पैसे की गणना मतलब लागत कितना लगा और आमदनी कितनी हुई, इसकी गणना नहीं किया जाता। तो हमने हमारे जो एफपीओ है और हमारे जो समूह है उनके बीच में ये समझ पैदा करने में हम सफल हुए हैं कि वे आज अपनी लागत को भी जोड़ते हैं और उससे कितनी आमदनी हो रही है उसको भी जोड़ते हैं। हमने उनको बताया कि कोई भी इकाई को सफल करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, श्रम साहस भूमि पूंजी और संगठन। तो हमारे जो किसान भाई हैं, पहले तो उनको हमने संगठित होने के लिए बात कहा। संगठित होने के लिए ऊपरी मन से अगर हम संगठित हो भी जाते हैं तो संगठन में वो आत्मा जो उसका मूल भाव है, जो उसका उद्देश्य है, वो नहीं आ पाता। तो हमने उनसे कहा
कि खेती जो है निहायत ही सामुदायिक कार्य है और एक बहुत ही राष्ट्रीय गौरव का कार्य है। खेती करना मामूली काम नहीं है, जैसा कि लोगों के बीच में आज में सामाजिक वातावरण बन चुका है कि खेती वह व्यक्ति करता है जो कुछ नहीं कर सकता। तो हम अपने किसानों के बीच में, हमारे आदिवासी परिवारों के बीच में, जहां भी हम काम करते हैं, जिनके साथ भी काम करते हैं, उनके बीच एक भाव तो हम लाने में सफल हुए हैं कि हम जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय गौरव का कार्य हम कर रहे हैं और राष्ट्रीय गौरव के कार्य के लिए मन में निराशा नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति भाई बंधुत्व का भाव होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक जो दायरा है, हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमें एक न्यूक्लियरपन आ चुका है, हम एक एक इकाई में बढ़ जाते हैं, हम सामूहिक रूप से संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, लोग एक एक करके अलग अलग इकाई में बढ़ करके खेती करने का प्रयास करते हैं। और फिर दूसरी तरफ से एक अवधारणा आती है कि हमको मिल करके समूह में एकत्र होकर के एफपीओ बना करके कार्य करना है, तो हमने उस चीज को पहचाना कि हमारे जब तक हमारा पारिवारिक और सामाजिक अगर हमारे अंदर में जो कुरीति जो आ रही है वो दूर नहीं होगा, तब तक हमारा जो एफपीओ है उसके अंदर भी वो आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिसके लिए हम संगठित होकर के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारी जो हमारा जो प्रयास है, जो हमारे एफपीओ के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनको कहना चाहिए CIG जिनको हम कर रहे हैं, उनके साथ जो कार्य कर रहे हैं वो एक बाजार आधारित अपने आप को सफलता के उस मुकाम पे पहुंचाने में सफल हुए हैं जो उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से उन्नति करने में सहायक हो रही है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया मिश्रा जी, आपने विस्तृत रूप से अपने क्षेत्र में कैसे कृषकों के साथ में एक सघन जुड़ाव और एक ऐसी साझेदारी, एक व्यवसायिक साझेदारी जो आपने बनाई है वो अपने आप में आदर्श है और ऑलरेडी अभी बहुत सारे लोग आपके इस मॉडल को देखने के लिए आते हैं, सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पात्र हैं कि आपने यह बात यहाँ पर रखी, हमारे साथी अवश्य इससे लाभ लेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे नेक्स्ट स्पीकर, जो कि बहुत ही इस चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने किसानों के लिए जो सेवाएं देनी हैं और साथ में जो उनके उत्पाद हैं, उनके उत्पाद को कैसे एक सही बाजार के साथ जोड़ना है वह कार्य किया है। मैं आमंत्रित करूंगा रविंद्र गौड़ जी को, जो कि सुभलक्ष्मी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के CEO हैं और मसाले और दालों की मार्केटिंग को लेकर इन्होंने एक शानदार कार्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और साथ में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, जो कि रेंटल प्रोसेसिंग को लेकर इनकी जो वहां पर जो FPO स्तर पर जो मशीन्स हैं जो प्रोसेसिंग की, वह सदस्यों को भी उपलब्ध होती हैं कि उससे वह आकर और वहां पर अपने जो भी उनके मसाले हैं या कोई अन्य जो भी दालें हैं उसकी प्रोसेसिंग करके और उसकी खुद की स्वयं की भी बिक्री वो कर सकते हैं, अपने उपभोग में भी ले सकते हैं। तो ये जो मसालों और दालों की जो मार्केटिंग का और वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग का, साथ में ये वेयर हाउस सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं सदस्यों को, अगर उनको कैसे भी तकनीकी मार्गदर्शन चाहिए तो कृषक उत्पादक कंपनी उसके ऊपर कार्य करती है। तो मैं यहाँ पर रविंद्र गौड़ जी से अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है वह कृपया सभी साथियों के साथ साझा करें। रविंद्र गौड़ जी, सुभलक्ष्मी अर्पियो जी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और आज के कॉन्फ्रेंस के लिए मैं समुन्नति को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। श्रीधर सर का धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद आज की कॉन्फ्रेंस में जुड़ने के लिए। सर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरे खुद के बैकग्राउंड के बारे में। सर मैं राजस्थान से नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, नागौर राजस्थान के अंदर, जो पूरा ड्राई एरिया भी और मतलब इरिगेटेड एरिया भी, दोनों एरिया है उसमें। पहले मेरा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, मैंने MCOM किया है और कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ मैं, CS किया हुआ मेरा।
अंबुजा सीमेंट के साथ में मैं 2012 से 2014 तक एसोसिएट था। तो उसी पीरियड में मेरे को एग्रीकल्चर सीएसआर में एक्टिविटी करने का, कुछ फील्ड में जाने का मौका मिला। उसमें मैं एग्रीकल्चर की टीम के साथ जाता था, कंटिन्यू वर्किंग में था। तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलप किया जाए। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का था, बट कुछ मेरा ये प्लान था कि फार्मर के साथ कुछ बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाई जाए, उनका एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाया जाए, ताकि फार्मर अपना अपने इनकम को बढ़ा सके कुल मिला के। तो फिर सबसे पहले सर, मेरे गांव के आसपास के जो मैं वर्किंग करता था वर्किंग एरिया में, उस गांव के आसपास में 18 विलेजेस को मैंने सेलेक्ट किया, जो पूरा इरिगेटेड एरिया था। उन फार्मर्स को लेके मैं पूरा गांव में मैंने अपनी टीम बनाई थी, चार लोग हम साथ में थे। सबसे पहले हमने गांव में बेसलाइन सर्वे किया था कि फार्मर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही और हमें किस एरिया में वर्किंग करना चाहिए, नीड क्या है उनकी और उनकी हम कहाँ रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने फार्मर्स का आइडेंटिफिकेशन चालू किया कि कौन कौन सी ग्रुप होती है यहाँ पे, ग्रुप में उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस क्या है और हम इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। तो हमने 18 विलेजेस में 9000 फार्मर को सिलेक्शन किया। उन फार्मर में से 18 विलेजेस में से हमने दो गांव को हमने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद उसका सबका इलेक्शन करवाया, उसके बाद में हमने डायरेक्टर्स को हमने इलेक्ट करवाया थ्रू मेंबर्स। हमने LIG लर्निंग ग्रुप बनाया, LG होते हैं जो मतलब फार्मर के ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप्स में से निकाल के अलग अलग ग्रुप के लीडरों ने हमारे डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया उसमें से। फिर हमने उसका 2014 में हमने वर्किंग चालू किया। सबसे पहले हमने इनपुट पे काम किया कि फार्मर्स को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इनपुट की, हमने इनपुट में काम किया, अकॉर्डिंग टू फार्मर डिमांड होती है उसके हिसाब से चालू किया। उसके बाद में हमने सोचा कि फार्मर्स को, हमने देखा भी था कि हमारे यहाँ पे सर मूंग होता है सबसे ज्यादा, ग्रीन ग्राम यहाँ पे होता है जो पूरे भारत का 60% सप्लाई नागौर से होता है सर। तो उनको हमने देखा कि फार्मर्स का जो मूंग होता है उनको सबसे पहले तो वैरायटी अच्छी नहीं मिल पाती है जो सोइंग करते हैं, और फार्मर को अवेयर भी नहीं थे इतना कि कैसे सोइंग किया जाए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए और क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए उसकी। वो क्या होता, फार्मर की मंडी में सीधा प्रोसेस जो भी पैदा हुई और उसको मंडी में ले जाके बेच दिया। हमने थोड़ा प्रैक्टिसेस उसका चेंज करना चालू किया। उसके बाद में हमने उसका पैकेज प्रैक्टिसेस पे काम किया, जो सोइंग होती है मूंग की, कौन से आपको क्रॉप सोइंग करनी है, कौन सा सीड लेना है, उसके बाद कौन से टाइप में आपको कटिंग करनी है या फिर घास को जो भी वीडिंग करना है, कब करना है, कैसे और थ्रेसर से कैसे निकालना है। पहले क्या होता था कि फार्मर सीधा मूंग को लेके मंडी में दे देता था, नहीं कोई साफ करना नहीं कोई कुछ। अब वो जो मिडल मैन होता था उसको फिर वो ऐसे बोल के कि आपका जो प्रोडक्ट है वो साफ नहीं है, उसको पैसा कम मिलता था। फिर हमने सर उसको देखा कि हमने सभी फार्मर्स को लेके एक रिक्वेस्ट किया। हमने उस टाइम नेफेड का प्रोक्योरमेंट चल रहा था, जो MSP प्रोक्योरमेंट हो रहा था, PSF के अंडर में, जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड था उसके अंडर में उन्होंने प्रोक्योरमेंट की, उन्होंने अप्रूव किया था। हम सब फार्मर ने रिक्वेस्ट किया नेफेड को कि हमें डायरेक्टली आप प्रोक्योरमेंट दीजिए, हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। तो नाफेड ने उस टाइम हमें हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, और सभी फार्मर हमारे जो रजिस्टर्ड फार्मर थे उनसे हमने नाफेड को 44 करोड़ रुपीज का सप्लाई प्रोक्योरमेंट करके दिया था, और वो भी पूरा सिस्टमेटिकली हुआ था। और फार्मर को अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 1.5 महीने से पेमेंट होती थी, बट हम 3 दिन में उसको पेमेंट कर देते थे। उसमें हम ये ध्यान रखते थे कि क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते थे, कि क्वालिटी फार्मर्स को समझाते थे कि आप इस प्रोडक्ट को 2 बार साफ करो, पर एक अच्छा प्रोडक्ट जाना चाहिए ताकि नेफेड में हमारी इमेज बने। तो हमने उस प्रोक्योरमेंट को अच्छे से रन किया और एकदम सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को करके नेफेड को दिया। और दूसरे साल में हमने SFSC से टाई अप किया था, उसमें हमने चना का और मूंग का दोनों को प्रोक्योरमेंट किया था। उसमें भी सेम, उसमें हमें थोड़ा सा बेनिफिट हुआ सर कि मैं 40 लाख रुपीज का हमें नेफेड और SFSC से कमीशन मिला।
तो हमने उस कमीशन को हमें उसको एज डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना था। फार्मर्स के लिए हम ऐसी स्थिति बनाए ताकि फार्मर्स, आज तो प्रोक्योरमेंट एमएसपी प्रोक्योरमेंट हो, कल को एमएसपी प्रोक्योरमेंट नहीं होगा तो फार्मर कहाँ जाएंगे। तो हमने उसके लिए एक ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप किया जिसमें सभी फार्मर अपना मेटेरियल प्रोसेस करके मंडी में या फिर किसी भी बायर को बेच सके और हमारे थ्रू भी सप्लाई कर सके। वो हमने एक मॉड्यूल डेवलप किया। दूसरी चीज, फार्मर की दिक्कत आ रही थी वेयर हाउसिंग की, रखे कहाँ पे उस मेटेरियल को। वो कुछ हमने इंटरनल सपोर्ट फंडिंग एजेंसी से सपोर्ट लेके हमने एक वेयर हाउस भी डेवलप किया। 2000 मेट्रिक टन का हमने वेयर हाउस बनाया ताकि उस फार्मर, कोई भी फार्मर उस वेयर हाउस के अंदर अपना माल ला के रख सकता है, अगेंस्ट उसके उसको फंड भी मिल सकता है 75% उसको, यदि उसको रिक्वायरमेंट है एट द टाइम सेलिंग के टाइम में उसको रिक्वायरमेंट है फंड की, तो हमने उसकी भी हमने व्यवस्था की थी। हमने सीएनडीएफ एजेंसी को बना के व्यवस्था करी है उसके। तीसरी चीज थी सर, हमारे यहाँ पे एक कसूरी मेथी, जो आप मेथी पत्ता होता है वो ज्यादा होता है यहाँ पे, तो एक्चुअली वो समर सीजन में तो मूंग और इसकी सीजन होती है, बट जो विंटर सीजन है उसके अंदर जो कसूरी मेथी है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यहाँ पे कसूरी मेथी होती है सर। अब उसको स्टोरेज का फैसिलिटी फार्मर्स को नहीं है, तो क्या होता है कि सर फार्मर जैसे भी अपना मेटेरियल तैयार होता है तो बहुत सारे मिडल मैन होता है उसके, उसको जो भी रेट होता है, मीन उसने मार्केट में वो कसूरी मेथी 500 रुपए किलो बिक रही है, बट वो मिडल मैन उसको 80 रुपए में परचेज कर रहा है, बिकॉज क्योंकि उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, वो रखे कहाँ पे। तो हमने उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमने उनके लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाया था कि फार्मर अपना मेटेरियल कोल्ड स्टोरेज में रख के जब भी उसका अच्छा रेट आएगा तो वो मार्केट में सेल कर सके, अच्छा रेट मिल सके। उसके लिए हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट, कसूरी मेथी का प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा के दिया है, उसका हम रेंटल बेसिस पे हमने चालू किया सर फार्मर्स के लिए, और फार्मर्स का एक प्रैक्टिस बन गया है। अभी जीरा लेके आता है तो वो उसका हम मार्केट में वो करवाना चाहते ही नहीं, सीधा मंडी में सेल आउट कर देता है, बट हम धीरे धीरे प्रैक्टिसेस को चेंज कर रहे हैं। फार्मर्स हमारे पास लेके आएगा, प्रोसेस करवाएगा, उसका 50 पैसा बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, उसको हम फार्मर से लेते हैं और उसको 50 पैसा के बदले मंडी में या कहीं भी बेचे उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है सर। तो इनकम जनरेशन हुई है डायरेक्ट, मार्केट में अच्छा माल जाता है तो फार्मर की भी एक वैल्यू बढ़ती है कि फार्मर अच्छा माल लेके आया है तो बायर भी डायरेक्टली उसके पास जाने की सोचता है को वो कैसे करता है। तो हमने इन प्रैक्टिसेस को देखते हुए अभी थोड़ा एक्सपांड करने का प्लान किया है कि डायरेक्टली फार्मर के जो भी प्रोडक्ट है उसको हम फार्मर से लेके डायरेक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाए, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सपांड कर रहे हैं। और इसके अगेंस्ट में सर हमें SFSC से ग्रांट भी पूरा हमने ले लिया है, 15 लाख रुपीज का हमें SFSC का जो इक्विटी ग्रांट है वो हमें मिल चुका है SFSC से, उसका भी हम पूरा अभी यूज लेने वाले हैं। और फार्मर का जो भी प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ पे स्पाइसेस और पल्सेस ज्यादा होता है तो हम उसको पैकेजिंग करके डायरेक्ट जो भी होलसेलर है या फिर जो बड़े ब्रांड्स है उनसे टाई अप करने का प्रयास कर रहे हैं सर, ताकि फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिल सके सर। तो ये छोटा सा प्रयास था सर, उसको एक्सपांड कर रहे हैं धीरे धीरे। और दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि जो भी एपीओज है हमारे, जो भी पैन इंडिया पे जो भी एपीओज है, और मोदी जी का भी अभी जो प्लान है 10,000 एपीओज का भी डेवलप करना है, तो एक एपीओ सेटलमेंट वो आने वाला है, हम सब एपीओज मिलके एक इंटरनल हो जाए। साउथ में जो भी चीज है जैसे कि मिर्ची होता है, मिर्च होता है, कुछ भी होता है, उधर से हम राजस्थान में मूव करें, राजस्थान का जो भी स्पाइसेस है पल्सेस है तो हम सप्लाई करें, तो ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म बन जाए सर। मेरा ये कहना है कि प्लेटफॉर्म बन जाए जिससे स्मूथली अच्छे से काम कर पाए। और सर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, समुन्नति ग्रुप से रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा कुछ मॉड्यूल बनाए, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाए जिससे सभी एपीओस का माल मटेरियल है जो भी प्राइमरी प्रोड्यूस है उसको हम वैल्यू एड करके। रविंद्र जी जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल हो या इस तरह का कुछ कार्यक्रम बने जिसमें हम हमारे जो कृषकों के जो उत्पादक उत्पाद हैं उनको हम वैल्यू एड करके
और उनको सही बाजार में, सही प्रतिस्पर्धी बाजार में सही मूल्य दिलवाएं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही साथियों कि अभी जो प्रधानमंत्री की ने जो घोषणा की है आत्मनिर्भर भारत को लेकर और योजनाएं जो फूड प्रोसेसिंग को लेकर अनाउंस हुई हैं, वो इनका जो कसूरी मेथी वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। उसको लेकर हम लोग अपने क्षेत्र में कुछ आइडियाज, कुछ अपना सेल्फ अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ में, कुछ इनोवेटिव मेंबर्स के साथ में रिफ्लेक्ट करके कौन सी ऐसी फसल है जिसका हम लोग भी जिसको वैल्यू एडिशन करके या उसको स्टोरेज की फैसिलिटी देकर हम सही बाजार, क्योंकि अभी जो 5 जून को भी एक नया जो किसानों के लिए उत्पादन व्यापार अधिनियम आया है उसके साथ में भी हमको पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि कहीं पर भी हम किसी भी समय किसी भी कंपनी को हम किसी भी सीधे हालांकि कस्टमर को कहीं पर भी हम बेच सकते हैं। तो अगर इस तरह की अधोसंरचना अगर हम अपने कृषक उत्पादक कंपनी स्तर पर निर्मित करेंगे और अपने सदस्यों को उसकी सेवाएं देंगे तो बहुत 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 उपयोगी होगा और स्थानीय स्तर पर हम ज्यादा से ज्यादा कृषक उत्पादक कंपनी के माध्यम से रोजगार भी सृजित कर पाएंगे और साथ भी जो जुड़ाव है मेम्बरान का कृषक उत्पादक कंपनी के साथ विकसित अधोसंरचना के साथ में और उनकी सेवाओं के साथ में वो भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर पूरा जो अनुभव है गौर साहब का, जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी होते हुए भी उन्होंने अपने गांव के लिए अपना समर्पण दिखाया और 18 गांव में 9000 किसानों को जोड़ा। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने जब उन्होंने प्रोक्योरमेंट का काम भी किया एसएफएसी के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक साथी ने सवाल भी पूछा है, आगे हम उनसे पूछेंगे गौर जी से, लेकिन कैसे उन्होंने 3 दिन के अंदर उन कृषकों का पेमेंट का भुगतान किया, 40 लाख रुपए का कमीशन भी उन्होंने समय पर प्राप्त कर लिया। बहुत सारे कृषक उत्पादक कंपनियों को मैं जानता हूँ जो कि सही समय पर कमीशन एसएफएसी से या जिस एजेंसी के साथ में उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया था कृषकों के लिए वो नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन अगर आप सही समय पर अगर आप अपने लाभ अपने कमीशन को प्राप्त कर पाते हैं कृषक उत्पादक कंपनी के रूप में तो वह आपकी व्यवसायिक योजना बनाने में आपको बहुत आसान हो जाता है। साथ में आपका अगर वित्तीय संबंधता किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करनी है आपके व्यवसायिक योजना को लेकर वह भी बहुत आसान हो जाता है। तो ये बहुत शानदार अनुभव था हमारे साथी का। अब मैं अगले साथी के रूप में, हमारे साथ बहुत अनुभवी साथी हैं गोपेश जैन जी, नेसकला फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी गुना। सभी लोग मध्य प्रदेश में और दूर दराज भी क्षेत्रों में लोग जानते हैं नेसकला कृषक उत्पादक कंपनी को। उन्होंने बहुत अच्छा बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया है, वह सोयाबीन गेहूं चना इन सब के बहुत उच्च गुणवत्ता वाले बीज अपने कृषक सदस्यों के साथ में मिलकर उत्पादित कराते हैं, उनका प्रसंस्करण करते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं और उनको सही क्रेता तक बिक्री करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैं गोपेश जैन जी से कहूंगा कि वह पूरा अपना अनुभव बताएं। साथ में मैं और ये भी बात कहूंगा कि जो हमारी वेबिनार का उद्देश्य है कि इस संकट काल में, ये जो कोरोना के संकट काल में, इस समय आपने क्या आपकी रणनीति रही, आपने क्या कोई अपनी रणनीति में परिवर्तन किया आपके इस व्यवसाय को लेकर, क्योंकि मुझे पता है सीड उत्पादक कंपनियों के साथ में काफी दिक्कतें हुई हैं इस संकट काल में, ठीक है, तो आपने उन चुनौतियों से कैसे निपटा और उन चुनौतियों से निपटने के साथ में जो आपका जो व्यवसाय था बीज उत्पादन का उसको आपने नीचे ना होने देकर उसको एक बराबर उसको लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं और आगे की क्या योजना है, क्योंकि अभी तो ये संकट काल समाप्त नहीं हुआ है तो आने वाले समय में आप पूरे 6 महीने की अगली योजना, जब तक वो बीज अगर आपने उत्पादित किया है कुछ रवि में तो अगले रवि की बुआई के समय तक उसकी बिक्री होने के लिए सही रूप से तैयार हो तो वह पूरी पूरी थोड़ी सी विस्तार से आप हमारे सदस्यों को बताएं जिससे कि वो इसको उससे कुछ सीख ले पाए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमिल सर। नमस्कार, मेरा सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा सर, नेसकला क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। ये 2006 में स्टार्ट हुई थी और
मैंने इसको लगभग 2008 में ज्वाइन किया था, क्योंकि जब फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का कोई स्कोप नहीं था, गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत लोग कम जानते थे कंपनी को। तो आज की स्थिति ये है कि कंपनी ने बहुत सारे चैलेंजेस देखे थे शुरू में, जो कंपनी को फेस करने पड़े। कंपनी ने जब स्टार्ट किया तो छोटे से गांव से स्टार्ट किया था सर, यहाँ पर गुना के अंदर एक चाचौड़ा ब्लॉक है। क्योंकि डीपीआईपी ने स्टार्ट किया था, डायरेक्ट कंपनी ने भी स्टार्ट नहीं किया था, डीपीआईपी के जो हायर लेवल के डीपीएम वगैरह सर ने यहाँ पर जो स्टार्टिंग की थी, वहाँ काफी ज्यादा मेंबर्स भी बनाए और उनके साथ वर्किंग भी हमने की। शुरू शुरू में हमने जो चैलेंज देखे, हमको जो लगा कि डीपीआईपी बहुत सारी चीजों में उनके साथ सहयोग कर रही है, लेकिन उनको जो यहाँ उनके लाइवलीहुड इंक्रीज करने की बात आ रही थी, वहां पर लाइवलीहुड इंक्रीज हो तो हो रहा था, लेकिन उस लेवल से नहीं हो रहा था जहाँ डीपीआईपी सोचना चाह रही थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सर कंपनी स्टार्ट की गई कि जब डीपीआईपी ने समझा कि इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, तो कंपनी स्टार्ट इस ऑब्जेक्ट को लेके की गई कि उनके जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स को कैसे अपन सस्ते दामों पे या उचित मूल्य पर और सही समय पर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इस रूपरेखा को लेके जो निष्कला क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट की गई। वहां पर जब कंपनी स्टार्ट की गई तो सर चैलेंजेस बहुत थे। 2 साल कंपनी के पास भी कोई फंड नहीं था उस टाइम, 2006 में कोई फाइनेंस करने वाला भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से कैसे ना कैसे फार्मर्स को साथ में लेके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनके साथ जो उनका जो माल है उनको लेकर के सीड प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। सीड प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया तो सर आगे क्योंकि सभी लोग नए थे, डीपीआईपी उसको देख रही थी, तो चैलेंजेस ये आया कि सीड प्रोडक्शन स्टार्ट तो कर दिया लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जो पुराने सीईओ रहे उन्होंने स्टार्ट भी किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये आई कि फर्स्ट टाइम में जब हमने किसी एक कृषिधन के साथ स्टार्ट किया, कृषिधन के साथ जब स्टार्ट किया तो हमको समझ में नहीं आया कि कैसे उसको बायबैक करना है और किस क्या सावधानियां रखनी है, तो वो मिक्सिंग वगैरह हो गया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा बहुत बेकार रहा कृषिधन के साथ। जो सेकेंड फिर हमने अपना खुद का स्वयं का स्टार्ट किया, जब हमने स्वयं का स्टार्ट किया तो हमने चाचौड़ा ब्लॉक में स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने फार्मर्स को कुछ थोड़े ही फार्मर जुड़े हुए थे उस टाइम कंपनी के साथ, लगभग एक ही गांव के 25-1 फार्मर्स इनिशियल लेवल पर जुड़े हुए थे, उनको साथ लेके ये काम करना शुरू किया। तब वहीं पर एक ग्रेडिंग मशीन लगाई गई उसी गांव में और वहां से हमने स्टार्ट किया सीड का प्रोग्राम। जब सीड का प्रोग्राम चालू किया तो सर उसको रख रखाव के लिए भी हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो हमने उन व्यवस्थाओं को भी देखते हुए हमने एक प्राइवेट वेयरहाउस में उस माल को रखा, लेकिन जो स्थितियां बनी वो भी सर इतनी खराब थी कि वहां पर भी माल खराब हो गया और हमको बीज खराब वापस लेना पड़ा, लेकिन हम लोग बेच नहीं पाए। तो शुरू शुरू लेवल पे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए, कंपनी की फाइनेंशियल इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी क्योंकि बहुत सारा कैपिटल नहीं थी, लेकिन हमने धीरे धीरे फार्मर्स को जोड़ना चालू किया और कॉन्फिडेंस में लेना चालू किया। जब फार्मर को सबसे पहले हमने अपना स्ट्रीम लाइन बनाया कि हम क्वालिटी पे काम करेंगे भले कम काम करें, तो हमने ये नीड जानी फर्स्ट थिंग कि हमने पूरे अपने कंपनी को स्टार्ट जब हमने नया शुरू किया तो हमने ये जाना कि कहाँ हम लोग कहाँ कहाँ फार्मर की कौन कौन सी वैरायटी की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमने यही आइडेंटिफाई किया कि फार्मर को किस एरिया में कौन सी वैरायटी की आवश्यकता है, कितना फार्मर ले सकता है, क्या रेट तक ले सकता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनकी इनपुट्स की नीड जानी। जैसे उनको फर्टिलाइजर में अक्सर उनको बाजार में जाना पड़ता था और बाजार में वो सपोज की यूरिया की बात करते हैं या डीएपी की बात करते हैं आज से 10-12 साल पहले की, तो वो ब्लैक में बिकता था तो फार्मर को नहीं मिलता था। तो वहां पर फार्मर के साथ ये प्रॉब्लम रहती थी कि हम लोग कैसे उसको सस्ती चीजें उपलब्ध करा पाए। तो हमने ये कहा कि फार्मर को कि आप एक काम कीजिए कि हम एक शॉप डालते हैं और वहां से शॉप जहां हमने छोटे छोटे ब्लॉकों में 2-3 शॉप स्टार्ट की जरूरत है और वहीं पर डीलरशिप लेके हमने काम चालू कर दी और वहां पर हम लोग फार्मर को खुद पहुंचाकर सारा मटेरियल देने लगे। जैसे सीड है थोड़ा बल्क क्वांटिटी हम फार्मर को ये कहने लगे कि आपके एक ही गांव से हमको जो डिमांड आएगी वो एक ही गांव से आए और हम वहीं पहुंचा के देंगे। फार्मर इसमें एग्री हुआ क्योंकि उसको सस्ता और क्वालिटी माल मिल रहा था, जो गवर्नमेंट रेट थी फर्टिलाइजर की वो उस पर हम प्रोवाइड कर रहे थे और जो आगे आगे जो सीड था वो भी उनको क्वालिटी सीड मिल रहा था। धीरे धीरे फार्मर ने हमने ये चेंज देखा सर 8-10 साल में कि फार्मर जो है सीड को पहले चेंज नहीं करता था, खुद का ही घर का लगा हुआ सोयाबीन या गेहूं है या ग्राम है जो भी है
वो खुद बोता था, लेकिन जब हमने उनको प्रोत्साहित किया इस क्षेत्र में कि आप सीड लगाइए, सीड की क्या क्वालिटी क्वालिटी होती है, आप खुद, हमने खुद डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सर उनके आधे खेत में सीड लगाया और आधे खेत में उनका खुद था, जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने धीरे धीरे ये परिवर्तन लाने लगे। आज लगभग जितना सीड हम बनाते हैं सर वो हमको अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए भी कम पड़ जाता है, गुना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बहुत कम होता है। आज इतना चेंजेस आ गया है कि फार्मर एटलीस्ट वीट के केस में तो 100% सीड चेंज करते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमने सर अपना सीड प्रोडक्शन भी बढ़ाना चालू कर दिया, इससे फार्मर को फायदा होने लगा। हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में अपनी शॉप ओपन की, वहां पर हमने फार्मर्स के लिए पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर और इस सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लगी। अभी सर आपने जो मेरे को बात कही कि अभी क्या चैलेंजेस आए COVID-19 में, तो काफी सारा चैलेंजेस अभी हमको देखने को मिला। हमने फार्मर का, चूंकि फार्मर के साथ सीड प्रोडक्शन की प्रिपरेशन लगभग एक साल पहले हो जाती है, फार्मर को देना है और फिर हमको सेल करना है, वो एक साल का प्रोसेस है लगभग। तो जब हमने फार्मर को ये सारी चीजें दे दी थी, फार्मर को सीड प्रोवाइड कर दिया था, उसका रजिस्ट्रेशन, अब बायोबैक की जो दिक्कत आ रही थी वो लगभग सर मार्च में हार्वेस्ट होके आ जाता है फार्मर। जैसे तैसे हम लोगों ने गवर्नमेंट से परमिशन ली, यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमने परमिशन ली और हमको लगभग 15 तारीख से परमिट किया गया कि आप अपना सीड बायबैक कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर में थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एग्रेसिव था, तो उन्होंने फार्मर्स के साथ हमको ये इजाजत दे दी। लेकिन फिर भी फार्मर हम लोग बहुत फास्ट उसकी खरीदी नहीं कर पाए, हमको खरीदी करते करते लगभग लगभग मई और जून का मंथ हो गया था, क्योंकि हर साल हम लोग अप्रैल तक वो कर लेते हैं, वो फोकस नहीं करते उसके ऊपर। तो अभी जो दूसरी समस्या हमको सबसे ज्यादा आई कि लेवल पे जब हमने प्लानिंग कर ली थी लगभग 10,000 क्विंटल की, तो हम लोग उतना बाय नहीं कर पाए जितना हमको बाय करना था सर। बाय करने की बात इसलिए थोड़ा पीछे रही कि हम लोगों की फंडिंग की प्रॉब्लम आई, सबसे ज्यादा चैलेंजेस रहा है इस ड्यूरेशन में फंडिंग का, जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम थी सभी जगह से इतना फाइनेंस नहीं मिल पाया या मिलना चाहिए था, वो जो प्रिपरेशन थी कि हम यहाँ से ले लेंगे तो इतनी इजीली नहीं मिला, थोड़ा लेट हुआ इस चक्कर में थोड़ा सा फार्मर को। लेकिन हमने फार्मर को सर ये कहा कि आप एज ए पार्टनर हमारे साथ काम करते, हमने उनको कहा कि आप ये मत कीजिए कि हमने आपको फंड नहीं, चूंकि हम माल ले चुके थे, हमारा जो फंड जो वो रिलीज नहीं हो रहा था, सैंक्शन नहीं हो रहा था, तो हमने फार्मर को कहा कि हम आपको पार्टनर बनाते, आप पेमेंट लीजिए हमसे नवंबर में और हम आपको ज्यादा रेट का पेमेंट देंगे। हमने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फार्मर के साथ एक रेट डिसाइड की कि फार्मर आप किस रेट पे हमसे पेमेंट लेना चाहेंगे, हमने अपना कैलकुलेशन किया कि हमको कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना एडवांटेज है, तो हमने एक फिक्स रेट फार्मर को दी कि हम नवंबर में आपका पेमेंट करेंगे। इसमें हमारे लगभग लगभग सर हमने लगभग 150 फार्मर के साथ काम किया, जिसमें से हमारे साथ लगभग लगभग 25-30 फार्मर इस पे एग्री हो गए कि हम लोग इसमें एग्री हैं कि आप हमको नवंबर में पेमेंट करेंगे। इस तरह से फार्मर को एडवांटेज भी हुआ और हमको अपना बायबैक भी मिला सर। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सर प्रॉब्लम तो है और आएगी रूपरेखा। मैं आपको बताऊं कि आगे 6 महीने में चैलेंजेस तो हैं, चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं सर, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आपका फार्मर के साथ अच्छा लिंकेज है तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका सीड इजीली सेल हो जाएगा। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि सर ऐसा कोई भी बड़ी बात नहीं है कि फार्मर अपना हम लोग अपने फार्मर के साथ बहुत ज्यादा लिंकेज दिए, क्योंकि हमने बीच बीच में बहुत सारे फार्मर के साथ काम किए। जैसे अभी सर ने बोला था कि फार्मर को कॉस्ट के बारे में जानकारी है, तो जो हमने अपना RTRS जो प्रोग्राम चलाया, तो लगभग 4 साल हमने चलाया, तो हमने कॉस्ट के बारे में ही वो बात करी। सो ये सारे काम हमने सर अपने अभी फार्मर्स के साथ किए हैं। आगे फ्यूचर में भी सर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली, मेरे को लगता है कि अगर फार्मर आपके साथ बहुत अच्छी तरह लेंगे और आपका फेथ करता है फार्मर और ऑर्गेनाइज है, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया गोपेश जी, आपने जो आपकी जो चुनौती थी वित्तीय चुनौती, जो सप्लाई चेन जो है आपकी बाधित होने के कारण आपके पास पैसे का जो दिक्कत थी, ऐसे समय में आपने अपना रणनीतिक बदलाव किया और वहां पर अपने जो बीज उत्पादक किसान थे उनको भागीदार बनाया, उनके साथ में पार्टनरशिप की और उनको राजी किया कि नवंबर तक भुगतान जब बिक्री करेंगे बीज का तब उनको करेंगे। तो यही हम बात कर रहे हैं साथियों, आगे के जो हमारे दो वक्ता हैं उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि
कि इस जो स्पेसिफिक परिदृश्य में उन्होंने जो रणनीति अपनाई है अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वह रणनीतिक बदलाव क्या हुए, उसके आधार पर जो 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 आप चुनौतियां थी उनके आधार पर जो रणनीतिक बदलाव हुए, उसके बारे में अगर आप केंद्रित करेंगे तो हमारे बाकी सारे साथियों को बहुत फायदा होगा। तो अगले साथी से मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ा क्रिस्प में थोड़ा सा बहुत मतलब सारगर्भित बात कीजिए और प्रभावी अपने जो अनुभव हैं उनको सभी साथियों के साथ में साझा कीजिए। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा गौतम शर्मा जी को, जो कि काफी अच्छा काम जिन्होंने किया है जीरा और कैस्टर मूंगफली के मार्केट लिंकेजेस को लेकर, साथ में एनसीडीएक्स के साथ में किसान यार्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समनुति ओलम इन सबके साथ में मिलकर इन्होंने काफी किसानों को जो सबसे बड़ी चुनौती है उचित बाजार उपलब्ध कराना, उचित मूल्य समय पर दिलाना, वह काम आपने किया है, उसके बारे में थोड़ा इस परिदृश्य को आकलित करके अनुभव के आधार पर आप साझा कीजिए। आमंत्रित हैं सभी को नमस्कार। मेरा नाम गौतम शर्मा, मैं पहले का तो अनुभव नहीं, लेकिन ये जो वर्तमान में तीन चार महीने का जो बहुत अच्छा लर्निंग्स रहा, इसमें चैलेंजेज आया और कैसे तो इसको कैसे ओवरकम किए, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी मार्च में जब COVID-19 के कारण लॉकडाउन हुआ था, उस समय इधर का लोकल जो APMC था वो भी बंद हो गया था, तो 4-5 दिन तो हम लोग को लगा कि हम लोग भी कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर इससे हम लोग डिजिटली धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू किए व्हाट्सएप पे कि कैसे किया जा सकता, और हम लोग एक पूरा सप्लाई चेन को एकदम अलग वे से शुरुआत किए कि गांव लेवल पे ही एग्रीगेशन स्टार्ट किया जाए, हर गांव में विलेज में एग्रीगेशन स्टार्ट किया जाए, एक ही एक गाड़ी जाकर रूट हो और सभी जगह का माल जो प्रोक्योर्ड माल है वो गोडाउन में लाया जाए, गोडाउन में आने के बाद सारा चीज मेल से ही बायर्स को कम्युनिकेट किया जाए, रेट को कम्युनिकेट किया जाए और एक सिंपल क्वालिटी, क्योंकि बायर के साथ जब भी हम लोग डील करते हैं तो क्वालिटी बहुत बड़ा इशू रहता, तो क्वालिटी कैसे हम लोग मेंटेन कर पाए, तो हम लोगों ने पहले ही सैंपल को क्वालिटी टेस्ट करा लिया और फिर बायर के साथ डील करना शुरू किया। अगर हम ये तीन FPC जिसको अभी हम लोग काम कर रहे हैं उसका अगर बात करें तो अभी तक तीन ये लॉकडाउन पीरियड में करीब करीब 11 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है और काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि फार्मर के पास उस समय कोई मार्केट नहीं था। ये जैसे ही बनास ओपन किया, इसमें ट्रांजेक्शन जितना भी पैसे का भी लेन देन था वो डिजिटली इसको शुरुआत किया गया, इसमें इवन समुन्नति का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोग को क्यूमिन लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग तमिलनाडु तक सप्लाई कर पाए, कैस्टर का एक अच्छा बायर समुन्नति के द्वारा मिला, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग बायर थे ओलाम है, ITC है, इफ्को है, इन लोगों के साथ अच्छा टाइप होने की वजह से हम लोग डायरेक्ट माल सप्लाई करना शुरू किए ये लॉकडाउन के COVID-19 के सिचुएशन में। एज ए रिजल्ट अगर अभी तक हम लोग मान देखते हैं, एक एनालिसिस अभी किए थे हम लोग, तो फार्मर को लगभग 1.5 करोड़ का प्राइस रियलाइजेशन इस पीरियड में हम लोग करवा पाए 11 करोड़ के टर्नओवर में। साथ ही साथ इसी पीरियड में हम लोग NCDX ई प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से उपयोग कर पाए, इवन करीब करीब 100 मेट्रिक टन कैस्टर और 60-40 मेट्रिक टन के आसपास क्यूमिन का भी हम लोग क्लीन करके प्रोसेस करके और NCDX के प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच पाए। तो ये सब मेजर चैलेंजेज आया था, सभी डायरेक्टर लोग ही अपने से गांव के लोग ही उपाय बताना शुरू किए कि नहीं ऐसे कीजिए कि हम लोग गांव में ही इकट्ठा कर लेते हैं माल, जितने भी सभासद थे आप लोग सिर्फ एक जगह पर ले जाइए और उसको फिर बायर को सप्लाई कीजिए, तो ये आसान बनता गया। तो मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अगर चैलेंजेज आता है तो उसको थोड़ा सा अलग ढंग से उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने का संभावना रहता। ये बनास हुआ बडियार किसान करके और आडेसर कंपनी है,
आडेसर कंपनी इवन ऑर्गेनिक कैस्टर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कैस्टर सप्लाई करती है, तो भी एक कंपनी के साथ करीब करीब 250-300 मेट्रिक टन कैस्टर सप्लाई कर पाए। साथ ही साथ अभी भी हम लोग जो समुन्नति हम लोग को और भी जगह अपॉर्चुनिटी दे रहा, और हम लोग का जो फिनेंशियल और बायर दोनों का एक रोटेशन शुरू हो गया है कि फिनेंस हम लोग समुन्नति से ही लिए हैं तो इतना फास्ट वे में फार्मर को मिल जाता है। जैसे ही हम लोग बिलिंग फार्मर से परचेज करते हैं कोई भी सामान, वो बिल भेजते हैं और वो पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाता है, तो इसमें क्रेडिट का झंझट नहीं। बायर्स को भी अगर हम लोग बेच रहे हैं माल तो उसमें भी समुन्नति दे देती है, तो इससे हम लोग को जो रोटेशन है वो काफी फास्ट होना शुरू हुआ है, मदद मिला है। और भी जितने भी बायर्स हैं उसको भी हम लोग प्रीफर कर रहे हैं कि वो समुन्नति का प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, जिससे हम लोग को, क्योंकि उनमें 15-30 दिन तक लेट होता है। NCDX में भी ये पीरियड थोड़ा लंबा। अगर NCDX का हम थोड़ा सा अलग से बात करना चाहेंगे, NCDX प्लेटफॉर्म में टेक्निकल बंदा थोड़ा चाहिए जो अच्छा समझ रखे, और उसको रेगुलर देखते रहना पड़ता है कि कब रेट हाई हो रहा है कब रेट डाउन हो रहा है। आप अगर पहले लगा दिए तो उसमें बिना फिजिकल डिपॉजिट के अगर सेल कर दिए तो फिर आपका मार्जिन M2M मार्जिन में लॉस या फायदा होने का संभावना रहता। फिजिकल डिलीवरी अगर देते हैं तो उस पे कैसे आप फायदा ले सकते हैं रेट में, क्योंकि माल अभी रेट भी जो मार्केट भी जो है वो बहुत इन्फ्लेक्चुएट कर रहा है। इसमें एनालिसिस करने का पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली बढ़ेगा मार्केट या घटेगा, तो इस समय में जितने सतर्कता से और जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कर पाए हम लोग, ये अच्छा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद गौतम जी, आपने तो बिल्कुल जो हमारे मन में एक आदर्श CEO और एक आदर्श कंपनी की जो अवधारणा होती है उसके अनुरूप ही अपनी जो अभी के जो परिदृश्य में जो चुनौती थी, और इन 4 महीनों में जो आपने 11 करोड़ का जो आपकी कंपनी ने टर्नओवर किया और करीब 1.5 करोड़ जो फार्मर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट जो तुलनात्मक रूप से बाजार में जो मूल्य था उसके साथ में आपने 1.5 करोड़ का उनको अतिरिक्त व्यवसायिक लाभ दिलवाया, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपने बात कही जो सभी साथियों को समझने और सीखने वाली है कि जब कोई भी संकट या कोई भी दिक्कत हो तब हमको अकेला चलो वाली नीति नहीं अपनानी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि कृषक उत्पादक कंपनी के हमारे CEO जब कोई दिक्कत होती है फिर अकेले ही फाइट करने के चक्कर में लग जाते हैं। आपसे हमने सीखा, आपने जो प्रस्तुत किया कि आपने डायरेक्टर्स को बुलाया, डायरेक्टर्स के साथ में चर्चा करके उन्होंने क्या परिवर्तित रणनीति होनी चाहिए इस विषम परिस्थिति में व्यवसाय को लेकर, वह उनसे समझी, आपने उन सबकी भागीदारी ली, उसके बाद आपने पूरे आत्मविश्वास के साथ में सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को साथ में लेकर आपने व्यवसाय की निरंतरता और बल्कि जो अवसर है, बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि यह हमें कृषि के क्षेत्र में जो भी लोग शामिल हैं उनके लिए यह पैंडेमिक एक अवसर भी लेकर आता है उनके लिए, क्योंकि लोगों को भोजन तो चाहिए, सिर्फ सप्लाई चेन का मसला है। लोगों और जो कृषक उत्पादक कंपनी है उनकी भागीदारी, उनके सदस्यों की और उनका आत्मविश्वास और उनके हितग्राहियों का आत्मविश्वास उनके कार्य में, हितग्राहियों का आत्मविश्वास तभी होगा जब जो उसकी जो गवर्नेंस है, जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो संघीय उसका ढांचा है, उसके मेंबर हैं, आम सभा है, सब उसमें शामिल होगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आपने आदर्श रूप इस चुनौती में आपने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, बहुत ही धन्यवाद आपको। अब हमारे साथी हैं हमारे बीच में एक युवा लीडर मृणाल अग्रवाल, ये आगरा से हैं और ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं, और इन्होंने वहां पर जो कृषक उत्पादक कंपनी बनाई है दिव्य भूमि एग्री क्रॉप फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसकी ऑथराइज कैपिटल करीब 10 लाख रुपए है, और करीब अभी अगर आप देखें तो वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन
और मिल्क प्रोड्यूसर्स के साथ में मिल्क का वैल्यू एडिशन को लेकर इन्होंने पूरे एक क्लस्टर में काम किया है, जो कि अपने आप में एक एक मेंबर्स को एक कॉन्फिडेंस देने वाला है कि हम अपने उत्पाद को कैसे ज्यादा समय तक रख सकते हैं, ज्यादा मूल्य कैसे सही समय पर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही इनकी बड़ी योजना भी है, अभी जो सरकार की जो स्कीम अनाउंस हुई है आत्मनिर्भर भारत में, उसमें फूड प्रोसेसिंग में कैसे कह रहे हैं कि पनीर की हम बड़ी इकाई कैसे स्थापित कर सकते हैं, तो और साथ में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम कैसे और प्रेरित कर सकते हैं कि ज्यादा वो मिल्क प्रोडक्शन करें या ज्यादा वहां पर वो अपना कृषक उत्पादक कंपनी के साथ में पूरे एक इकोसिस्टम मिल्क प्रोडक्शन को लेकर वहां व्यवसाय स्थापित करें और अधिक लाभ प्राप्त करें। तो मैं यहाँ पर मृणाल अग्रवाल से कहूंगा कि वह अपनी सारगर्भित वर्तमान परिदृश्य में जो चुनौतियां हैं उनके साथ में आप अपने उत्पादकों के लिए कैसे काम कर रहे हैं, आगे की आपकी क्या योजना है, थोड़ा बहुत ही फोकस तरीके से आप बताएं। सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि उनके स्क्रीन पर नीचे एक क्यू एंड ए लिखा हुआ एक टैब आ रहा होगा, उस पर जाकर वो अपने क्वेश्चंस यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, और अगर उन्हें कोई क्वेरी है या कोई जिज्ञासा है या किसी विशेष तरीके का अगर उनका कोई क्वेश्चन है या कोई उनके क्षेत्र में अगर कोई विशेष तरीके की चैलेंजेस उनको आ रही है, तो उसके संबंध में यहाँ उपस्थित पैनलिस्ट से आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर हम भरपूर देने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये पहला सवाल मैं लेता हूँ मेंबरशिप को लेकर, एफपीयू मेंबरशिप में, और स्पेशली जो महिलाओं की भागीदारी है एफपीयू में, कैसे महिला मेंबरशिप बढ़े, इसके ऊपर कोई साथी अपने अनुभव साझा करना चाहेगा? हाँ बताइए रविंद्र गौड़ जी। ओके सर, हमें महिलाओं के लिए जेंडर पे काम करना चाहिए, उनका एम्पावरमेंट और मेनस्ट्रीम बढ़ाना चाहिए, उनका स्किल्स बढ़ाना चाहिए। मीन जो भी फार्मर्स होते हैं उनमें 50% से ज्यादा महिलाएं काम करती है सर। मतलब यहाँ का मैं ऑन एन एवरेज देखूं कि 80% महिलाएं जो भी मतलब खेती के कामों में सबसे ज्यादा लगी रहती है, उनकी स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हमारा एग्रीकल्चर सर डेवलप हो पाएगा। क्योंकि हम सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं वो फिर मैन को देते हैं, मतलब आदमी लोग को देते हैं, महिलाओं को नहीं देते। हमें हमारे एफपीओज में भी महिलाओं को थोड़ा आगे लाना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, तभी हमारे एफपीओ की स्ट्रेंथ बढ़ पाएगी सर। बहुत बढ़िया। हमारे एफपीओज में हम डिसीजन में सर हम 5 डायरेक्टर्स में से हम 3 डायरेक्टर्स को, 3 डायरेक्टर्स वो महिला ही डायरेक्टर है सर। अच्छा। तो महिला का पार्टिसिपेंट ज्यादा है सर हमारे एफपीओज में। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा सर एक मेरा था, मैं थोड़ा सर रोकना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा। सर एफपीओ समुन्नति को रिक्वेस्ट है कि समुन्नति जो एफपीओ के प्रोडक्ट है उसको ब्रांड डेवलपमेंट में कुछ सपोर्ट करे, उसके लिए कुछ कुछ कंसल्टेंसी फीस हो सकती है, वो हमें कोई इश्यू नहीं है, बट हमें उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से लॉन्च कर सकते, वो टेक्निकली सपोर्ट हमें चाहिए सर। रविंद्र जी, ये वाला प्रश्न हमने ले लिया है, हम आपसे वार्तालाप करेंगे, तो हम आपको जैसा आपको प्रोसेसिंग का यूनिट ऑलरेडी है, अगर आपको ब्रांडिंग में कोई मदद चाहिए डेफिनेटली हमारे जो स्टेट हेड है आपसे डेफिनेटली इस बारे में चर्चा करेंगे, जो भी सपोर्ट होगा आपको संबंधित से दिया जाएगा। थैंक यू सर। मैं श्रीधर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो हमारा एंड टू एंड वैल्यू चेन को सपोर्ट हम कर रहे हैं एफपीओस को, एक उसको ब्रीफ कर देंगे तो ये सारा ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन, इनपुट, मार्केट लिंकेज, ये सब कुछ उसमें कवर हो जाता है, सो दैट सारे पार्टिसिपेंट्स जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत लाभकारी होगा कि समुन्नति किस तरीके से इंटरवेंशन से उसको सपोर्ट कर रही है और उनको आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम एफपीओ के साथ उनके फॉर्मेशन से लेकर वैल्यू एडिशन तक, जब बोलते हैं कि जब एफपीओ पहले 1-2 साल में खाली उनका सेटअप का प्रोसेस चलता है, तो हम उनको सारे
प्रमोशन एक्टिविटीज में, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग में, सारे मेंबर्स को उनका एफपीओ का क्या एडवांटेजेस है, ये सारे क्षेत्र में हम हेल्प कर सकते हैं। उसी तरह सबसे पहला जो एफपीओ का काम होता है कि एक इनपुट का शॉप सेटअप करना है, ठीक है ना। तो इनपुट शॉप सेटअप करने के लिए आपके जो जो चीज़ चाहिए, आपको लाइसेंसेस चाहिए, आपको थोड़ा सा लोन चाहिए होगा सारा इनपुट खरीदने के लिए, उसी तरह आप लोगों को बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के साथ हम टाई अप करा सकते हैं। तो उस द्वारा हम आपको इनपुट के बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत सारे एफपीओस का हमने किया भी हुआ है, आप लोग जानते हैं, बट उस तरह हम आपके साथ काम चालू कर सकते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब एफपीओ होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम हमारे मेंबर्स को किस तरह जुड़ के रखना चाहिए, वो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है। हमारे पास 500 से 700 मेंबर्स होते हैं, जब आप बात करते हैं हम खाली एक 50-100 के साथ ही हमारा ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन हम बाकी सब लोगों के साथ किस तरह काम करना चाहिए उसके ऊपर डेफिनेटली सारे एफपीओ को एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो या और कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता आपके मेंबर फार्मर्स की हो, उसके उसके लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, जो कंसल्टेंट चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, जो मॉड्यूल चाहिए, अगर उसमें कुछ तरह काम करना है, हम जुड़ के काम कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि समुन्नति का ये फॉर्मेट है, आप इस तरह काम कीजिएगा, लेकिन आप सभी एफपीओ को पता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कैसा है, आपका विलेज कैसा है, वहाँ का कल्चर किस तरह है। अगर आप चाहेंगे कि ठीक है हमको इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा तो अच्छा होगा, तो आप समुन्नति से बात कर सकते हैं, हम उसी तरह का एक ट्रेनिंग आयोजित करके आप लोगों के मेंबर फार्मर्स को कर सकते हैं। इसका यही ये होगा कि जितने मेंबर फार्मर्स एफपीओ के साथ जुड़े हैं उतना ट्रांजैक्शंस आप लोगों का अच्छा होगा, उतना बिजनेस आप लोगों का अच्छा होगा। उसी तरह जब आपका हार्वेस्ट हो जाता है आप लोगों को अच्छी तरह से, क्योंकि हम आज 16 स्टेट में काम करते हैं, हम 50 प्लस सप्लाई चेन में काम करते हैं, हम ऑल्सो डिमांड साइड बहुत सारे बायर्स के साथ काम करते हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, तो हम हार्वेस्ट में भी आप लोगों का जितना हो सके हम मार्केट लिंकेज कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अभी जैसे रविंद्र गौर जी ने बताया था कस्तूरी मेथी के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है, अगर हमको इनके ऊपर और थोड़ा जानकारी मिल जाएगा, आज उनके पास एक या दो बायर हो जाएंगे, अगर हम हमारे कनेक्शन से हम और भी उनको अच्छे से बायर ला के दे, हम उसमें भी काम कर सकते हैं। इससे अलावा और भी एक चीज़ होगा, जैसे भी अच्छे खासे एफपीओ जिनका टर्नओवर अच्छा है, मेंबर एंगेजमेंट अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम उनको यही कह लेंगे कि आप वहाँ पर रोकिएगा नहीं, आप और एक स्टेप आगे जाइएगा जहाँ पे आप वैल्यू एडिशन कीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप खुद के प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे या आपका खुद का पैकेजिंग यूनिट बनाना चाहते हो, उसके लिए जो भी सपोर्ट रहेगा, आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदना हो या और कोई प्रोसेसिंग का यूनिट चाहिए होगा आपको, उसके लिए जो भी लोन की जरूरत है, समुन्नति उधर भी हमको सहायता दे सकती है। तो अगर आप देखेंगे हम एंड टू एंड, चाहे वो खाली लोन के माध्यम से नहीं, हम जो बोलते हैं अग्रीगेशन, मार्केट लिंकेज और एडवाइजरी, ये सारा जो हमारा समुन्नति का फ्रेमवर्क है हम एफपीओ में इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि एफपीओ कोई भी चीज उनके मेंबर फार्मर से जुड़ना है तो हम हमारे साथ बात कर सकते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है हम उनको ले सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा। और एक चीज है, अभी हम यहाँ पे है, हम प्रमिल गुप्ता जी डेफिनेटली और एक आगे लेके जाएंगे। मेरा एक प्रश्न होगा मिश्रा जी से, धीरेन्द्र मिश्रा जी से, आपके एफपीओ में आप इतने सारे अच्छे से ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आप किस तरह मेंबर के साथ जुड़ते हैं, एंगेजमेंट कैसा होता है आप लोगों का, आपका ट्रेनिंग कंटिन्यूस होता है, या इसके बारे में जरा बताएंगे तो थोड़ा जानकारी सभी को अच्छा होगा, और फॉर्मेट क्या है आपका। हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोग एफपीओ के जो मेंबर्स हैं उनको गतिविधि के अनुसार हमने अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा हुआ है, जो उनकी गतिविधि है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप, तो उनकी अलग अलग लोगों की अलग अलग गतिविधि होती है, अलग अलग गतिविधि के हिसाब से उनका एक समूह बना करके उनके गतिविधि को उनके अनुसार, उनके क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या आवश्यकता है, उसको किस प्रकार से संगठित होकर के उसका कैसे हम इनपुट का परचेस कर सकते हैं, तो गतिविधि के अनुसार उनको जो लाभ मिलता है, तो इसके आधार पे लोगों के अलग अलग गति, अगर आप केवल कुछ लोगों के साथ में काम करेंगे तो कुछ ऐसे भी हमारे सदस्य होते हैं जो किसी भी प्रकार के बैठक में या उसमें अपनी आवाज वो बोलना पसंद नहीं करते या अपनी अभिव्यक्ति दे नहीं पाते। जब किसी की अभिव्यक्ति को नहीं सुनी जाती है तो उसका इंटरेस्ट वहां से खत्म हो जाता है।
इसलिए हम लोगों ने समुदाय आधारित गतिविधि को चयन करते हुए उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनके हित को भी ध्यान में रखा हुआ है, इसलिए हमारे जो सदस्य हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। रविंद्र, आपसे एक सवाल है, मिस्टर राकेश सिंह पूछ रहे हैं कि आपने 3 दिन में जो पेमेंट है वो कैसे प्रबंधित किया, क्योंकि जो उनका अनुभव है वो नेफेड को लेकर कि काफी डिले होता है पेमेंट, तो आपने 3 दिन में सदस्यों को कैसे भुगतान किया, थोड़ा ये बताएं, सभी लोग समझना चाहेंगे इसको। एक्चुअली सर, हमने नाफेड से ये हमने रिक्वेस्ट किया था, पूरा सब जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उस टाइम उनका प्रिपेयरमेंट स्टार्ट किया था 2016 में, तो हमने यही कहा था कि हम आपको इतना क्वांटिटी में मेटेरियल दे पाएंगे, बट हमें पेमेंट का आप सॉरिटी दीजिए कि हमें 3 दिन से पेमेंट दीजिए। बट उन्होंने कुछ पेमेंट एक बार रिलीज कर दिया था, फिर हमने एक फंडिंग एजेंसी से भी टाइप किया था, नाफेड से 5-6 बार तो पेमेंट टाइम पे आ गया था। सर हमने नाफेड से ये प्रोजेक्ट करने से पहले, जो प्रोक्योरमेंट करने से पहले, उनसे ये रिक्वेस्ट करा था कि हमें पेमेंट 3 दिन में मिलना चाहिए, तो उन्होंने 4-5 बार तो पेमेंट टाइम टू टाइम कर दिया, 3 दिन के अंदर अंदर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कुछ डिले करना चालू किया, तो फिर हमने अदर एजेंसी से टाई अप करके, हमें क्योंकि हमने प्रॉमिस किया हुआ था मार्केट, मतलब जो फार्मर्स को, कि हम आपको 3 दिन में पेमेंट करेंगे, तो फिर हमने एक अदर एजेंसी से टाई अप करके उनसे कुछ पेमेंट लेके कुछ टाइम के लिए, हमें चाहे इंटरेस्ट लगा बट हमारी इमेज डेवलप हो गई उसमें। वेरी गुड। तो हमने अदर एजेंसी से टाई अप करके फार्मर्स को उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेमेंट देते गए। सर पेमेंट देते गए। रमेश जी, इसमें मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगा। हाँ जी भाई। सामोन्नति ने, जैसा श्रीधर सर ने बताया है कि हम प्रोक्योरमेंट लोन भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर कि एफपीओ को एडवांस में पैसा मिल जाता है, जिससे कि वो अपने फार्मर्स को तुरंत पैसा देकर उनका जो उत्पाद है वो एफपीओ खरीद लेता है, और फिर एफपीओ अब किसान को वेट करने की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं पड़ती सर, और यहाँ से फिर जब वो आगे सेल करते हैं किसी भी बड़े खरीदार को, किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर को, तो वहां पर हम, हमारे पास एक दूसरा मॉडल है जिसको हम बिल टू शिप टू मॉडल कहते हैं, जिसमें कि हमारे थ्रू बिलिंग हो जाती है, हम उसका पेमेंट पहले एफपीओ को कर देते हैं, जैसे ही वो माल वहां पहुंचता है और स्वीकार हो जाता है हम उसका पेमेंट तुरंत कर देते हैं, तो एफपीओ को भी क्रेडिट पीरियड किसी भी खरीदार को देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वहां पर उनके मेंबर्स या उनका जो कैश फ्लो है वो बाधित नहीं होता। तो समुन्नति अपने फिनांस के थ्रू इंटरवेंशन करके इस समस्या को बहुत हद तक हमने इसको सॉल्व कर दिया है। जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उन्होंने ये इन सेवाओं का किया है और उसका फायदा उनको मिला है, हमें सर मिला, इस साल हमें फायदा मिला है सर। इसी तरीके से हमने कुछ और आगे बढ़कर कैपेसिटी डेवलप करी है, जिसमें कि श्रीधर सर ने बताया कि लगभग 400 हमारे खुद के बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, प्रोसेसर्स हैं, जो हमसे वर्किंग कैपिटल एज अ लोन लेते हैं, तो वो भी डायरेक्टली परचेस करते हैं, वहां पर वो एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। साथ ही साथ हमने कई जो नेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे कि ये एक्सचेंज होता है कमोडिटी एक्सचेंज के तौर पे, उस पे भी हमने अपनी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करी हैं, सारा जो ये कमोडिटीज को की प्राइसिंग हेज करने का और डिलीवरी करने का, तो उसके संबंध में मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा विनीत शर्मा जी से कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे हेजिंग का अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर पाए तो सारे हमारे एफपीओस को काफी इसका फायदा पहुंचेगा। जरूर अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट जैसा गौतम शर्मा जी ने कहा था कि इन लोगों ने काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया है एनसीडीएक्स पे। एक्चुअली छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा, मैं पहले एनसीडीएक्स में ही कार्यरत था, तो हमने भी काफी एफपीओस को एनसीडीएक्स पे हेज कराने की मुहिम चालू की थी और उसमें काफी हम सक्सेस भी हुए थे। तो एक्चुअली समुन्नति, हमने वहां पे जो गैप्स पाए थे वहां पे, उसमें समुन्नति को हमने समुन्नति के इंटरवेंशन से हम उसको पूरी तरह से एफपीओ के लिए कैसे रूट कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे कोशिश की है। तो अब जैसे एनसीडीएक्स पे जब भी कोई पार्टिसिपेशन होता है तो वहाँ पे रोजाना पेमेंट की सुविधा नहीं होती है, एक बार आपने पार्टिसिपेट किया तो आपका पेमेंट जो है वो महीने की 20 तारीख या 22 तारीख को ही आना है।
तो क्या होता है कि वहां पे एक चैलेंज आ जाता है कि आपको तुरंत पेमेंट नहीं मिलता तो आपको रुकना पड़ता है। यहाँ पे समोन्नति का इंटरवेंशन ऐसा होगा कि आप जिस समय पे आपका माल आपके डीमैट में आ जाता है उसी समय पे समोन्नति आपको जो आपका माल है उसका पैसा दे देगी, और जिस समय पे आपका पैसा एक्सचेंज से आएगा उस समय पे हम हमारा पास जो हमने आपको पैसा दिया है उसको लेकर के और आपको बाकी पैसा दे देंगे। तो ये इंटरवेंशन हम लोगों ने चालू किया है जिसके कारण अब जो पार्टिसिपेशन ऑलरेडी जो एक्सचेंज पे हो रहा था एफपीओ का उसको और प्रोत्साहन मिलेगा, उसको बढ़ाने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, और जो एफपीओ जो ऑलरेडी कर रहे हैं ये काम उनको भी और काम करने का इस पे प्रोत्साहन मिलेगा। क्या मिश्रा जी बताइए। मैं समोन्नति से प्रश्न पूछना चाह रहा था कि क्या हम केवल एफपीओ या एफपीसी को ही इस तरह से मदद दे सकते हैं, या जो कम्युनिटी बेस्ड जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एसएचजीस है एफआईजीस है क्या इनको भी कुछ इनके लिए भी अपन योजना बना सकते हैं? जरूर कर सकते जी, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी होगा कर सकते हैं। मेरा आपसे यही ये होगा कि आप हाँ जी आप अजीत सिंह से टच में रहिएगा, वो आपको बता देंगे सारा जो हम कर सकते हैं फार्मर ग्रुप्स के कर सकते हैं। मेरा सवाल अगला सवाल जो है गौतम शर्मा जी से है, क्योंकि काफी सारे साथी ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक आदर्श एफपीसी बनाई जाए, और आदर्श एफपीसी क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जो आपने जो अपना मॉडल बताया उसमें काफी कुछ संभावना है कि आप हमारे सभी संभागियों को बताएं कि आपने जो आदर्श एफपीसी बनाई है वो उसकी प्रक्रिया क्या थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सभी साथियों को तो अच्छा रहेगा। गौतम शर्मा जी। प्रमेल जी ये भी एक चुनौती ये भी एक चैलेंज है कि किस तरीके से एफपीओ को एफपीओ के लोगों को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं किस तरीके से वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं अपना व्यवसाय, ये भी एक चुनौती है और ये प्रत्यक्ष है इस वेबिनार में। नहीं मुझे मुझे सबसे बड़ी बात तो इस सबसे बड़ी प्रशंसा तो इस बात की करनी कि समोन्नति ने काफी कुछ नए लोगों को चुना है। मैं भी मॉडरेटर एज ए पहली बार एज ए कोई इस तरह का सेशन मॉडरेट कर रहा हूँ तो बहुत सारे वक्ता भी हमारे पहली बार तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, तो ये एक जो पूरा भी चुनाव है कई बार साथी सोच रहे होंगे संभागी साथी कि कैसे चुना है, तो ये एक अपने अपने आप में समोन्नति के साथ जो चर्चा हो रही थी उसपे लग रहा था कि कुछ काफी सारे नए जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लीडरान ऊपर उभर के आने चाहिए उनको अवसर मिलने चाहिए। तो सभी क्षमा चाहूंगा साथियों इस तरह की जो डिस्टर्बेंस को लेकर। मैं दूसरा सवाल समोन्नति के पैनल से करना चाहूंगा कि जो कॉर्पोरेट मार्केटिंग मार्केट लिंकेजेस की बात है, ये काफी सारे साथी सवाल पूछ रहे हैं कि उनके पास ये कमोडिटी है मार्केट कैसे उपलब्ध हो उसमें समोन्नति कैसे सपोर्ट कर सकता है, तो समोन्नति की टीम से जो पैनल साथी हैं वो इसके बारे में अगर उत्तर दें तो सारे संभागी लाभान्वित होंगे। श्रीधर सर। ठीक है सर, जैसे कि हमने बताया था अजीत सिंह भी बताया था, हम हर एफपीओ के साथ जब हम जुड़ते एंगेज करते हैं उनके साथ तो हमको पता चल जाता है कि एफपीओ के किस तरह की कमोडिटी उनका हार्वेस्ट आता है। ठीक है, या तो एफपीओ के अपने खुद के बायर्स होते हैं जहां पे उनका लिंकेजेस ऑलरेडी है जिसको हम तोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि एक 5-6 साल से उनका नेटवर्क अच्छा होता है, तो हम उसी के साथ काम करेंगे। अगर उसके अलावा भी उनको आगे और भी नए अच्छे से इंस्टीट्यूशनल बायर्स चाहिए तो हम उनको अच्छा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले समझ जाते हैं कि कौन से कमोडिटी है और कितना होगा, बिकॉज जब भी हम एक इंस्टीट्यूशनल बायर से बात करते हैं या बड़ा बड़े प्रोसेसर से बात करते हैं तो हमको पहले क्वांटिटी क्वालिटी सबके बारे में पूछ लेता है, तो हम ये सारा डिटेल लेने के बाद हम एक बार कनेक्ट करते हैं कि ये आपका क्वालिटी वहां पे पहुंच पाएगा अगर उनको बायर को रेडी है के। देन एक बार बायर बोल जाते हैं ठीक है हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स मैच करता है, फिर हम क्या करते हैं बायर और एफपीओ को कनेक्ट करके उनको पूरा वो जो प्राइस है क्वांटिटी क्या है क्वालिटी क्या है इस तरह का हम वार्तालाप में दोनों को जुड़वाते हैं। तो एक बार दोनों से डिसीजन आ जाता है उसके बाद हम एफपीओ को सपोर्ट करते हैं अगर उनको प्रोक्योरमेंट लोन देना हो, क्योंकि ये सारा जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं स्टार्ट से एंड तक कभी कभी इसमें 25-30 दिन लग जाएगा लेकिन फार्मर्स का हार्वेस्ट तो आ चुका है। हम यही एफपीओ का कहते हैं कि हम आपको प्रोक्योरमेंट लोन देते हैं जिससे आप लोग फार्मर को सेटल कर सकते हो अपने पैसे से, बाद में जब बायर से पैसा आएगा हम लोन को एडजस्ट कर लेंगे और जो भी एफपीओ का मार्जिन आएगा वो एफपीओ को चला जाएगा। तो इस तरह
और एक इसमें एक एक और एडवांटेज है, क्योंकि हम 16 स्टेट्स में काम करते हैं तो हमारे जो कमोडिटी के जो ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स हैं वो सारे जगह पे है। एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको वीट लेते हैं, मध्य प्रदेश में आपके पास वीट है, आपके बहुत सारे प्लेयर्स रहेंगे, ITC वहाँ का लोकल मंडीज होंगे, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीट के और फ्लोर मिल्स है जो साउथ में है या वेस्ट में है, तो वहां के बायर्स और प्रोसेसर्स को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं FPO के लिए। सो इस तरह हम एक कमोडिटी को लेके 10 से 15 बायर्स के साथ हम भी जुड़ जाते हैं और FPO को कनेक्ट करते हैं कि आप देख लीजिए आप किन के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दैट वे हम लोग करते हैं। बहुत सही। तो सर मेरा एक प्रश्न था, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा समुन्नति से प्रश्न है कि जो भी PC हैं अभी जितने भी इधर, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोसेसिंग प्लांट जॉब वर्क में करवाता है इनमें। अब क्यूमीन एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें बहुत ज्यादा दूसरे पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोसेसिंग प्लांट में भी बहुत सारा गड़बड़ होने का संभावना रहता है। तो इसमें समुन्नति क्या FPO को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इस टाइप का आइदर टायर या फिर समुन्नति खुद इस टाइप का कैपिटल का प्रोवाइड करे? ओके, FPO लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए समुन्नति की क्या योजना है? गौतम जी, आपकी बात समझ में आ गई। हम FPO को दोनों तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं। पहली बात आपने बताया था कि अगर आपकी कमोडिटी के लिए कोई प्रोसेसिंग चाहिए या कोई गोडाउन से या वेयर हाउस से आपको कनेक्ट करना है, हम वो भी कर सकते हैं। एक दूसरा चीज ये है, अगर FPO खुद प्रोसेसिंग करना चाहती है और उनको एक छोटा सा गोडाउन चाहिए या छोटा सा एक कोल्ड स्टोरेज चाहिए, अगर उस तरह आपको सेटअप करना हो तो हम उसके लिए भी एक टर्म लोन की मदद कर सकते हैं। इसमें एक ही होगा कि आप लोगों को पता करना चाहिए कि बस कितने फार्मर्स के आप हार्वेस्ट रख सकते हो, कितना पीरियड के लिए रख सकते हो, क्योंकि जो भी गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज आप सेटअप करेंगे, अगर आप खाली उसकी पूरी आवश्यकता खाली 15 या 20 दिन में रखेंगे, बाकी सीजन में उसका क्या करेंगे, क्योंकि उसका एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, ठीक है ना। तो FPO को ये सोचना चाहिए कि बस हमको कितनी कैपेसिटी की बनाना चाहिए और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, कैस्टर के अलावा और क्या कर सकते हैं, क्यूमिन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो गोडाउन की जो आपकी पूरी साल में कितना आप यूज करेंगे, अगर उस तरह का आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना देंगे तो समुन्नति आपको उसी में हेल्प करेगा, और इनफैक्ट प्रोजेक्ट बनाने में भी हम हेल्प कर सकते हैं। और हम आपको बता सकते हैं कि ठीक है, ये करने के लिए हम आपको एक टर्म लोन के भी दे सकते हैं, जो हम आपको पूरी गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद करेंगे। तो समुन्नति इनपुट लोन, प्रोक्योरमेंट लोन एंड कैटालिटिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको करते हैं, जहां पे गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, इसमें भी हम सपोर्ट करते हैं। परफेक्ट। एक और सवाल है रविंद्रनाथ की तरफ से, आप ही से सवाल है सिद्धर जी। हाँ, यू सेड दैट यू कैन लैंड टू SHG, व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? सी बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस हियर। इंपॉर्टेंट थिंग विल बी इसमें, सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो हम पहले FPO को जानेंगे, FPO के साथ जुड़े हुए ग्रुप्स को जानेंगे, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप हो या वुमेन ग्रुप्स को समझेंगे, देन उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको हम लोन दे देंगे और FPO के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सारे फार्मर्स को और सारे ग्रुप्स को FPO जानती है, क्योंकि FPO ने पूरा प्रमोट किया हुआ है। तो सारा जो हमारा डिस्कशन होगा FPO के साथ ही होगा, एंड हम जो है लोन SHG और ग्रुप्स को दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ। तो कोई राकेश सिंह को अनम्यूट कर दीजिए, ये काफी देर से सवाल पूछना चाह रहे हैं। दूसरा है महबूब खान है, उन्होंने भी हाथ उठाया है बात सवाल पूछने के लिए। यस राकेश सिंह, अनम्यूट कीजिए राकेश सिंह को। नहीं, राकेश सिंह शुड बी कमिंग ऐसे नॉट ऐसे पैनलिस्ट। रमेश जी वो टाइप करके ही भेज पाएंगे, टाइप करके भेज पाएंगे, क्योंकि वो टेक्निकली ये इस तरीके से ही ये सिस्टम है। ठीक है ठीक है।
मृणाल आप हैं क्या, आप ऑडिबल? प्रमोल गुप्ता जी, एक चीज कहना चाहूंगा, सारे एफपीओ यहाँ पे है जी, जो भी एफपीओ को हम लोन देते हैं, इनपुट हो या प्रोक्योरमेंट लोन हो, ठीक है जी, आज के तारीख में हमारा जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% है, 14% है, ठीक है, और हमारा जो टेनर होगा ये हम हर कमोडिटी के हिसाब से करते हैं, उनका कैश फ्लो जब जनरेट होगा उस तरह करते हैं, ओके, तो शायद वो 30 दिन भी हो सकता है, 45 डेज हो सकता है या 90 डेज हो सकता है, कौन सा क्रॉप है, कब बिकता है, कब बायर से रिपेमेंट आता है, ये सारा को हम नजर में रखते हुए हम हर एफपीओ को एक टेनर देते हैं, सही कि इस तरह, ताकि उनको रिपेमेंट करने में सुविधा हो, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे जन यहाँ पे है, तो आज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो इनपुट लोन के लिए और आउटपुट के लिए लोन के लिए जो प्रोक्योरमेंट कहते हैं हम, उसके लिए 14% है, 14%, ठीक है जी। सवाल भी पूछा था इसके ऊपर, हाँ जी। अच्छा बेटा, एक और, बहुत सारी जब हम फील्ड में जाते हैं एफपीओस काफी जो इंटरेस्ट रेट है उसकी तुलना काफी करते हैं किसान के साथ में या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में, गवर्नमेंट की स्कीम्स में जो इंडिविजुअल फार्मर को मिलता है उस तरह की भी बात होती है, अभी पॉलिसी स्तर पर भी ये बात आ रही थी कि एफपीओ को कृषक स्तर कृषक के समान ही माना जाए, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मंशा यही है कि कैसे इंटरेस्ट रेट एफपीओ स्तर पर कम किया जाए, इसके बारे में कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे संभागियों को सिद्धर जी? देखिए सर, ये हमारा भी यही मुद्दा होगा कि जितना जितना हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सके उतना हम करेंगे, जैसा हमने शुरुआत किया था 3 साल पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, क्योंकि हम भी हमारा हमको जिस तरह लिक्विडिटी बैंक से मिलती है उस तरह हम हमारा कॉस्ट भी देखना चाहिए होता है हमके लिए, राइट, जिस तरह एफपीओ अपना मार्जिन प्रोटेक्ट करता है, आपको तो समझो एफपीओ जो भी है वो उनका भी मार्जिन प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, उसी तरह हम भी हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना है, किस तरह हम मार्जिन सपोर्ट करना चाहिए एफपीओ को, वो सारा मद्देनजर करते हुए जहां पे हम 18-20% देते थे, जिस तरह हम भी इम्प्रूवमेंट किया हमारे कॉस्ट में, हमने नीचे घटाकर आज 14% आ गए हैं, शायद आगे जाके और भी इंटरेस्ट अच्छा हो जाएगा तो हम और भी कम करेंगे, ये इसी तरह है, ये हम इसी तरह एक जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि हम 8% दे सकते हैं, 12% दे सकते हैं, 16%, ऐसा नहीं बोल, जिस तरह मार्केट का जो डिमांड सप्लाई होता है जो कमोडिटी में होता है उसी तरह लिक्विडिटी में भी होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्ट करते हैं सर। ठीक है, ठीक है ना। कुछ साथी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में भी पूछ रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत ही जरूरत है, जो हम भी यही कहना चाहते हैं कि क्योंकि आज अब एफपीओ के साथ अगर हम काम करते हैं हमें पता चलता है कि जब 1000 मेंबर फार्मर है लेकिन आज खाली उनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो खाली 100 या 200 फार्मर से होता है, तो बाकी 800 लोगों से क्यों नहीं होती है? बिल्कुल, शायद इंफॉर्मेशन जो है बराबर जाती नहीं है, राइट, तो उसके लिए हम भी एफपीओ से यही कहना चाहते हैं कि बस आप हमको बताइए कि किस तरह की ट्रेनिंग करना चाहिए, किसके लिए चाहिए, कौन से टॉपिक में चाहिए, तो हम एफपीओ के साथ जुड़ के वो सारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो हम करना चाहेंगे, और इसमें हम ये भी करेंगे कि अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ट्रेनिंग चाहिए हम वो भी ले लेंगे अलग सा, और एक चीज यह होगा कि अगर मध्य प्रदेश ले लीजिएगा, अगर 3 एफपीओ का ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट एक है हम उनका एक साथ करेंगे, क्योंकि टॉपिक जनरल है, एक एक करने में कोई मतलब नहीं, तो हम क्या करेंगे ये 3-4 एफपीओ को इकट्ठा करके एक सेशन कर सकते हैं ताकि सब लोग को फायदा हो जाए इसका, ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक तो होगा, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा सारी एफपीओ जहां यहां पे है कॉल में कि जो जो हमारे रेस्पेक्टिव स्टेट के रिलेशनशिप मैनेजर हो उनसे आप कनेक्ट में रहिएगा, जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग सारा जो चीज है, जैसे गौतम सर ने बताया था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सपोर्ट लगेगा, किसी ने बताया था कि उनको प्रोसेसिंग यूनिट के लिए चाहिए, तो इस तरह का जो भी रिक्वेस्ट एफपीओ को होगा वो रेस्पेक्टिव स्टेट में जो उनके आरएम्स है उनसे जुड़ जाइएगा, उसी के हम आगे लेके जाएंगे काम। खाली एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब ट्रेनिंग की बात होगी हम 4-5 एफपीओ को इकट्ठा करके उनको जो ट्रेनिंग है साथ में देंगे, क्योंकि अगर किसी फील्ड विजिट करना है तो एक क्यों, हम 5 एफपीओ को साथ में कर सकते हैं, है ना, तो उस तरह अगर हमको एक कंप्लेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग करना है, लीगल एंड कंप्लेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग करना है, हम ये सारा एफपीओ को लागू होता है, किसी एक को नहीं ना, सारा को लागू होता है, तो ये लीगल कंप्लेंट्स का हम सारा एक प्रोग्राम बना के शायद एक 15-20 एफपीओ को इकट्ठा करके एक ट्रेनिंग कर सकते हैं। और आज तो हमको ये भी बात कहना चाहूंगा, गए 3 महीने में क्योंकि
हम फील्ड में तो जा नहीं सकते थे, रिस्ट्रिक्शंस था COVID-19 की वजह से, तो हम लोग ने वर्चुअल ट्रेनिंग किया हुआ है जहाँ पे हम 5-6 FPO को इकट्ठा करके एक 2 घंटे का एक ट्रेनिंग का लीगल कंप्लेंस पे दिया हुआ है। कोई FPO ने हमको बताया था कि जो हमारे रिलेशनशिप में है उनको ऑडिटेड फिनेंशियल पे थोड़ा जानकारी चाहिए था, हमने उस पर ट्रेनिंग किया हुआ है। इस तरह हमारा प्रयास जारी है इसमें। तो हम ये नहीं कहते कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा फील्ड में जब आप आएंगे तभी करेंगे, नहीं। जैसे हमने आज वर्चुअल वेबिनार किया हुआ है जहाँ पे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसी तरह हम ट्रेनिंग भी FPO के साथ कर सकते हैं वर्चुअली, ठीक है ना जी? ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है जो काफी कुछ हम लोग लिमिटेशंस देखते हैं FPO के साथ में, जब हम चाहते हैं कि उनका किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़े पार्टनर के साथ में उनकी संबंधता बनाई जाए तकनीकी को लेकर, प्रौद्योगिकी को लेकर, और प्रौद्योगिकी की लिमिटेशंस की वजह से जो आप अभी पहले कह रहे थे कि जो एक समग्र भागीदारी होनी चाहिए उत्पादक कंपनियों में समग्र डाटा को लेकर, और कृषक उत्पादक कंपनी के साथ में रियल टाइम सही डाटा की जो उपलब्धता है जिससे कि वह अपने संभावित भागीदार या पार्टनर्स के साथ में साझा करके एक सही नीति, निवेश और जो भी सुविधा उस व्यवसाय के लिए चाहिए वो स्थापित कर पाए, तो यह एक बड़ी चुनौती रही है कृषक उत्पादक कंपनियों के हमारे साथ में। हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी इनेबलर्स हैं उपलब्ध, लेकिन फिर भी कृषक उत्पादक कंपनी स्तर पर वह जो उसका एडॉप्शन होना चाहिए, जो उसको उपयोग होना चाहिए, वो है हो नहीं पा रहा है। तो उसके बारे में मैं समोन्नति के अनुभव समझना चाहूंगा और क्या उनकी आगे की योजना है, क्योंकि इसके बिना जो ये जितना भी FPO का निजी भागीदारी और निजी पार्टनरशिप जो स्थापित करनी है छोटे कृषकों के व्यवसाय के लिए, डाटा के बगैर तो और तकनीकी के इस्तेमाल के बगैर तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगती है। तो इसके ऊपर क्या योजना है, थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो समुन्नति के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम FPO से एंगेज करते हैं, वार्तालाप करते हैं, हमको पहला जब भी हम लोन देते हैं हमको ये पहला होना कि सारा डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो आज के तारीख में सारा जी ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक उनको वो बता पाते हैं लेकिन उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता, मैनुअली लिखा होता है। तो हमारा ये प्रयास है, हम एक छोटा सा डिजिटाइजेशन टूल बना रहे हैं। ये डिजिटाइजेशन टूल के माध्यम से हम सारा जो मेंबर फार्मर्स के रिकॉर्ड है जो FPO के पास होना चाहिए उसको हम पहले डिजिटाइज करते हैं, जहाँ पे मेंबर के कितने एकरेज हो, क्या क्या उत्पन्न करता है, क्या क्या इनपुट खरीदता है, कौन से सीड खरीदता है, ये सारा अगर हम करते हैं डिजिटाइज करके एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, देन आसानी हो जाती है कि FPO को, समुन्नति या बायर को नहीं, FPO को खुद को आसान हो जाएगा कि ठीक है अगले खरीफ सीजन में मुझे किस तरह का इनपुट कितना खरीदनी चाहिए, क्योंकि गया 2 सीजन में उनके पास पूरा डाटा है ना। तो वो खुद एक्शन ले सकते हैं कि ठीक है ये वाला खरीफ सीजन में मुझे इतने इनपुट्स खरीद के रखना चाहिए ताकि मैं मेरे किसानों को सप्लाई कर सकूं, राइट। उस तरह ये जो छोटा सा डिजिटाइजेशन हम मॉड्यूल बना रहे हैं, जो हम अगले ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है, बहुत सारा FPO को हम स्लोली इंप्लीमेंट करते हैं, इसके माध्यम से देन हम लोग एक बड़ा सा टूल बना रहे हैं जिसको हम FPO गेटवे बुक कहते हैं, जहाँ पे हमको सारों को जुड़ना है। आज एक सगे सप्लाई साइड में हमारे पास सारे FPO होंगे और डिमांड साइड में सारे बायर होंगे, आगे जाके हम बायर और सेलर को इकट्ठा दिखाना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सब लोग 70% पीपल यहाँ पे जानते होंगे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जहाँ पे आप जाइए आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट है और क्या है, कौन सेलर है, कौन बायर है। उस तरह का हमारा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है जहाँ पे FPO को और बायर को हम प्लेटफॉर्म में जोड़ दें, ठीक है ना। तो इस तरह का हमारा प्रयास चालू है जो बहुत जल्द हम FPO को लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो इसमें सहायता FPO की चाहिए। आज FPO और आप फार्मर को देके जाएंगे उसको एक मोबाइल रिचार्ज करना आसान लग जाता है, हमको टेक्नोलॉजी को उस तरह आसान से लेके जाना। अगर हम टेक्नोलॉजी को एकदम
टेक्नोलॉजी करके लेके जाएंगे वो उनको भी दिक्कत हो जाएगी, तो हमको उसको एक सिंप्लीफाइड मार्ग से लेके जाना है ताकि वो समझ सके, ठीक है ना। तो वो हमारी कोशिश जारी है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल एपीओ सदस्य की तकनीकी को लेकर मांग कैसे बने और इतनी साधारण इतनी सरल तकनीकी प्रौद्योगिकी हम एपीओ तक लेकर जाएं, इसके ऊपर सहमति पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अब एक और सवाल है स्पीकर्स के साथ में जो जो बहुत सारे साथी से संबंधित है कि ये जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का मसला क्यों रिजॉल्व नहीं होता। शेयर कैपिटल जो अगर आप देखें कि भारत सरकार की जो जो स्कीम है जिसको हर प्रोड्यूसर कंपनी को अवेल करना चाहिए, एक अब तो 15 लाख रुपए तक हो गई है शेयर कैपिटल इक्विटी ग्रांट अवेल करने के लिए, तो वो कोई भी, हाँ रविंद्र गौड़ बताना चाह रहे हैं इसको, वो कैसे अगर इससे आप पार पाए हैं तो आप बताइए, या आपने क्या उपाय किए हैं वो बताइए। और अगर ये भी बता ये भी पॉइंट बताइए कि मेंबर क्यों इतना हेजिटेट इतना संकोच करता है शेयर कैपिटल के रूप में राशि निवेश करने के लिए। हमने सर फार्मा प्रोक्योरमेंट जब भी किया था उस टाइम हमने अपना मैंडेट रखा था कि पर फार्मर्स को 1000 रुपीज जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना अपना माल यहाँ पे सेल आउट कर पाओगे। तो उस टाइम हमने 1200 किसानों का रजिस्ट्रेशन कर लिया था सर। अच्छा। और उनको ये भी बताया था कि आपका जो 1000 रुपया है वो जस्ट डबल हो जाएगा, 1000 रुपए से बढ़ के 2000 रुपए हो जाएगा, और वो हमको हम आपको ऐसे मतलब 1000 रुपए है तो आपका डबल हो जाएगा पैसा, वो हमने उसको श्योरिटी दिया था। और हमने SFSE में अप्लाई कर दिया था और हमने 2 ट्रेंच के अंदर 15 लाख रुपए का इक्विटी ग्रांट जनरेट किया था। वो वंडरफुल, तो आप तो सक्सेस फार्मर्स को भी बताया कि आपका 1000 रुपया है 2000 रुपया। तो सबसे अच्छी बात जो बता रहे हैं आप सारे संभागियों के लिए कि जब कोई व्यवसायिक अवसर है कृषक उत्पादक कंपनी के साथ में, उस समय आपको हिस्सा राशि लेने में बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए, उस समय आपको लेना ही चाहिए। बहुत सारे साथी चूक जाते हैं लेकिन वह एक महत्वपूर्ण है। और साथ में उन्होंने भी कहा कि कैसे यह डबल हिस्सा हो जाएगा सरकार की जो इक्विटी ग्रांट है उसके साथ में। मैं धीरेंद्र जी को भी समझना चाहूंगा कि उनका छत्तीसगढ़ का परिदृश्य अलग है थोड़ा सा। मिश्रा जी आप बताइए कि आप कैसे प्रोत्साहित करते हैं अपने सदस्यों को ज्यादा शेयर कैपिटल लेने के लिए। हम अपने किसान उत्पादक संगठन के सदस्यों को पहले ही बैठ करके, जब हम 5 प्रमोटर 5 डायरेक्टर जब बनाते हैं तो उसके बाद में हम जो सब का मिलकर के एक दायित्व होता है कि जितने हमारे वहाँ पे किसान संगठनों के बीच में हम जो बात करते हैं, छोटे छोटे जो समुदाय आधारित जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे सब्जी उत्पादन का काम है, धान उत्पादन का काम है, और जो वनोपज आधारित जो काम कर रहे हैं, इस तरह के जितने हमारे जो गतिविधि अलग अलग गतिविधि के जो समुदाय जो व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को पूरा समझ बना करके कि आपका ये 1000 रुपए जो हम जमा करेंगे इसके बदले में जो शासन के द्वारा या जो केंद्र सरकार की जो नीति है उसको तो आप छोड़ दीजिए, हम व्यवसाय करके आपका ये जो 1000 रुपए है आपको जुड़ने से इसमें आपका इतना हित संपादित होगा कि आपको लगेगा कि आपका 1000 रुपया न्यूट्रल हो गया और जो कंपनी का एक कैपिटल बन करके इसमें जमा रहेगा। और जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी काम सही ढंग से नहीं कर रही है तो ये आपका पैसा है और आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से विश्वास का एक वातावरण बना करके हम अपने किसान सदस्यों के साथ में जब तक गतिविधि संचालित होती रहती है किसानों को उस पर विश्वास रहता है। विश्वास का संकट तब आता है जब गतिविधि संचालित न हो रही हो या उनको उनके साथ में जो उनकी गतिविधि है उसके अनुसार उनको कार्यक्रम न मिल पा रहा हो या उनके जो इनपुट का जो योजना बनाना है या उनके जो उत्पादन है उनके बेचने का जो योजना बनाना है, अगर उसमें कहीं जो डायरेक्टर्स या जो उसके CEO संचालक जो होते हैं अगर वो उसमें अगर थोड़ा शिथिल होते हैं तभी ऐसा संकट आता है, अन्यथा किसान उत्पादक संघ में इस प्रकार के शेयर कैपिटल लेने में दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि विश्वास होना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे कर करके धीरे धीरे ही सदस्य जुड़ते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। विश्वास भी समावेशी विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है।
जो सबसे हमारा छोटा और वंचित कृषक है, मार्जिनल फार्मर है, उसका विश्वास हम कैसे जीते? कई बार छोटे जो किसान होते हैं, छोटे रकबे के किसान होते हैं, तो उनके लिए 1000 की राशि भी बहुत बड़ी राशि होती है। हमारे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में आप देखेंगे कि एक किसान के पास में अगर 1000 रुपए नगद है, वो बहुत बड़ी राशि है उसके पास में। हालांकि प्रोक्योरमेंट हमारे छत्तीसगढ़ में धान का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है छत्तीसगढ़ शासन का, वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से होता है, फिर भी हमारे किसान भाइयों का जो छोटे छोटे जोत के जो किसान है, जो वनोपज पे आधारित गतिविधियां संचालित करते हैं और जो अन्य प्रकार के जो कामों में लगे होते हैं, उनके लिए 1000 की राशि एक मुश्त देना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए भी हम लोग उनको किस्तों पे भी हमने मतलब व्यवस्था किया हुआ है कि आप किस्त वाइज भी अपना 100-100 रुपए करके भी आप अपना शेयर दे सकते हैं। जो मुख्य बात आप ट्रस्ट और जो सबसे जो मार्जिनल कृषक है उसके अनुरूप कैसे हम स्कीम बनाए शेयर कैपिटल को, कि वो अलग अलग हिस्सों में टुकड़ों में वह शेयर राशि जमा करे, तो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन जो मेरे ध्यान में आ रहा है, जो पीछे सबसे पहले इनफैक्ट पूछा गया था, कि ये जो सीड प्रोडक्शन है इसमें क्या क्या रिस्क होती है? सीड प्रोडक्शन में सर रिस्क तो सबसे ज्यादा जो लेवल है वो मिक्सिंग का रहता है सबसे ज्यादा। अगर देखा जाए तो हर वेराइटी पे आपको हर लेवल पे मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल से जब आपने ग्रोवर को दिया है, वहां से लेके आपको हार्वेस्टिंग तक आपका पूरा मॉनिटरिंग होना चाहिए। अगर आपका मॉनिटरिंग कहीं भी मिस होता है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। जिस सीड प्रोडक्शन में जो क्वालिटी को लेके जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सीड प्रोडक्शन में, वो क्वालिटी को लेकर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा आपको वहां पर ही ज्यादा ध्यान देना है कि आपकी सीड की क्वालिटी कैसी है। तो एक तो वेदर का भी एक थोड़ा सा रिस्क है कि फार्मर को फर्स्ट थिंग तो यहाँ चूज करने में भी ये चीजें आती है कि फार्मर कैसे चूज करे। जहाँ रेनफॉल वाले सीजन की बात करेंगे तो कहाँ रेनफॉल कैसा होता है या किस हिसाब से होता है, उस हिसाब से वैरायटी को चूज करना है। तो फार्मर को वहाँ एफपीओ बहुत कुछ सजेस्ट करती है फार्मर को कि किस वैरायटी पे जाना चाहिए उसको। सेकंड थिंग, फार्मर की जब उसके फार्म लेवल पर सीड ग्रो हो जाता है तो वहां पर जाकर उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि कहीं कोई मिक्सिंग तो नहीं आ रही है। अगर मिक्सिंग आ रही है तो इनिशियल लेवल पर उसको फार्मर को खुद क्लियर करवा दें कि भैया ये पेड़ आपका सही नहीं है, इसमें ये एक पौधा दूसरी वैरायटी का आ गया, उसको निकाल दें। क्योंकि ये इसके साथ साथ फार्मर को भी सर कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब वो सीड की सोइंग करता है या सोइंग करता है तो वहां पर उसका जो सीड सोइंग के लिए जो इक्विपमेंट देखता है तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लेवल पर जो मिक्सिंग या जो भी चांसेस रहते हैं वो फार्मर लेवल पे भी होते हैं, तो फार्मर को एक ये ध्यान रखना चाहिए। थर्ड थिंग, जो एपीयूज हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि टाइम टाइम पे जाकर उसकी मॉनिटरिंग करें। बहुत बढ़िया। एक सवाल सेल्को फाउंडेशन से है मिस्टर विपुल वर्मा का, और वो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर और कंप्लीट इकोसिस्टम के ऊपर काम करते हैं। तो उनका जो वो जानना चाह रहे हैं कि जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो एज ए एनर्जी इज वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट इन ऑल वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग सेटअप, तो व्हाट आर द योर व्यू, ये व्यू समझना चाहते हैं इसको लेकर। तो सिरदर सर, अगर आप इसके ऊपर बताना चाहें तो। सर, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको कहना चाहूंगा कि उनके जो ऑफिस के बैरर्स है बेंगलुरु में सेल्को के, हम उनके साथ ऑलरेडी वार्तालाप चालू है हमारा। वो हमसे 2-3 डिस्कशंस में आ चुके हैं, अभी उनकी तरफ से एक नोट आने वाला है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन चालू है, हमको किस तरह इनको प्रपोजल में फिट करना है वो हमको बात करना है। तो उनसे यही कहूँगा कि बैंगलोर की जो उनकी टीम है वो हमारे साथ वार्तालाप कर रही है और इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल्स हमने मांगा हुआ है, तो उसके ऊपर ही हम बाद में सॉल्यूशन कर सकते हैं। ग्रेट, प्रवीण सर, नॉर्दर्न स्टेट्स में अगर होगा तो बहुत अच्छा। मैंने देखा है कि गुलबर्गा में सेल्को फाउंडेशन वृद्धि के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। यूनिट्स के ऊपर, प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर, बहुत बढ़िया। तो सभी संभागियों की रिक्वेस्ट है कि कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको सबको अपने जितने पैनलिस्ट हैं उनके मोबाइल नंबर, मेल आईडी और प्लस आपको ये रिपोर्ट भी आपको सबको मिलेगी। धीरेन्द्र मिश्रा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं उसमें सबमिशन करना चाह रहा था जो मैंने कहा कि कैसे हम उनका शेयर लेते हैं। तो हमारे जो तखतपुर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी है, उसमें हम लोग विलेज लेवल में किसानों के बीच में
किसान पाठशाला आयोजित करते हैं जो लगातार होती है, जिसमें हम हर गांव में, हमारा जो प्रयास रहता है कि हर गांव में बीज उपचार विशेषज्ञ हो, चार प्रकार के विशेषज्ञों की हम ट्रेनिंग देते हैं। एक तो बीज उपचार विशेषज्ञ है, दूसरा पोषण एवं खाद, तीसरा रोग विशेषज्ञ, फसल में लगने वाले रोग विशेषज्ञ और फसल में लगने वाले कीट विशेषज्ञ। इस प्रकार के ट्रेनिंग करने से भी जो सदस्य हमारे रजिस्टर्ड होते हैं, जो हमारे साथ में किसान उत्पादक संघ में जुड़े होते हैं, तो उन्हीं लोगों को देते हैं। अब जो ऐसे भी आ जाते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे सदस्यों का जुड़ाव बना रहता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो अजीत भाई, अब वेला आ गई है कि हम इस समरे सत्र को समाप्त करें। तो आप सत्र समाप्त करने से पहले आप अपना उद्बोधन दीजिए। आप सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आपने इतने लंबे समय तक इस परिचर्चा में भाग लिया। सारे पैनलिस्ट ने यहाँ पर अपने जो भी उद्गार व्यक्त किए, जो भी अपने अनुभव साझा किए, वो निश्चित तौर पे जो अन्य अन्य लोग पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े हुए थे इस पूरे वेबिनार में सुन रहे थे, निश्चित तौर पे मुझे आशा है कि उनसे उनको इससे बहुत फायदा मिलेगा। और हम सब जो एक यहाँ कॉमन चीज निकल कर आई कि जब तक संगठन नहीं बनेगा, जब तक लोगों का जुड़ाव नहीं होगा, तब तक हमारी शक्ति नहीं बनेगी, तब तक हम मार्केट को रूल नहीं कर पाएंगे या जो हमारी समस्याएं हैं उससे पार नहीं पा पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको अपनी सदस्य संख्याएं बढ़ानी है, लोगों को आपस में इस तरीके से जोड़ के रखना है कि वो जो प्रतिदिन का जो व्यवसाय है वो हमारी संस्थाओं से शुरू करें और हम उनके सिर्फ फाइनेंशियल या जो कृषि क्षेत्र में ही उनके साथ अपना जुड़ाव न रखें। इसके अलावा जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट है लाइफ का, जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो सोशल एंगल है, उसके प्रति भी हम उनको सहयोग कर पाए। इस तरीके से अगर आप अपनी संस्था को आगे ले जाएंगे एक बड़ा दृष्टिकोण लेकर और सीखने और डेवलप करने की अगर आप में इच्छा है, तो मैं समुन्नति की ओर से, समुन्नति के पूरे पैनल की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से आपको मैं आश्वासन दे सकता हूं कि समुन्नति हर कदम पर आपके सहयोग के लिए तत्पर है। हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की सर्विसेज जो हम खुद सक्षम हैं देने में, हम वो पहले से ही दे रहे हैं। हम आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से जुड़ ही रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जब भी कोई सम्मेलन होता है, सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, तो ये मौका होता है कि एक बड़ी संख्या में हम आपस में जुड़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों की भी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए आप हमें कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। इसके अलावा हम अन्य जो कृषि क्षेत्र के जो प्लेयर्स हैं, जो विशेषज्ञ कंपनियां हैं, जो इनपुट की कंपनी है, चाहे मार्केट लिंकेज की कंपनी है, प्रोसेसर्स हैं, या आपके जो क्रॉप कल्टीवेशन के में एग्रीटेक्स की कंपनीज हैं, हम उनको भी आपके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो समुन्नति हर कदम पर आपके साथ है, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके, आपके ग्रुप डेवलपमेंट से लेके, हर चीज आप नाम लीजिए, समुन्नति उसमें सहयोग करने को तैयार है, खुद के द्वारा या अपने अन्य साथी कंपनियों के माध्यम से। इसीलिए हम कहते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, हम सॉल्यूशन कंपनी है। हम चुनौतियों की सॉल्यूशन देने के लिए हम समुन्नति के तौर पे हम काम करते हैं। तो ये आश्वासन हमारी ओर से है कि किसी भी प्रकार, अगर आपकी इच्छा है, आपका पुरुषार्थ है और आपका सहयोग है, तो निश्चित तौर पे कोई भी आपके लिए बाधा नहीं होगा। समुन्नति हर जगह आपके साथ है। और मैं सभी पैनलिस्ट का, सभी पार्टिसिपेंट्स का जो इतने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहे और उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, कई लोगों ने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए जिसका कि फायदा सबको मिलेगा, मैं फिर से बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग आगे भी इस तरीके का संवाद बनाए रखेंगे और एक दूसरे से हमारे जो स्टेट वाइज जो हमारा टीम है वो आपके साथ कनेक्ट करेगा, आप भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो आमंत्रण निमंत्रण जो भेजा गया था वो लोग
पर्याप्त रूप से सक्षम है इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए और वो सारी सर्विसेज आप तक पहुंचाने के लिए जो आपकी आवश्यकता है। तो इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ मैं फिर से धन्यवाद करते हुए, अगर आप सबकी अनुमति हो तो ये वेबिनार को अपने समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगा। हमें खेद है कि हम आज मृणाल जी को नहीं सुन पाए, एक युवा टैलेंट जो कि अपनी दूसरी बड़ी डिग्रीज और बड़े टैलेंट को छोड़कर कृषि के क्षेत्र में क्यों आया है, निश्चित तौर पर ये जानना बहुत एक्साइटमेंट रहेगा। तो हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जब भी हम जुड़ेंगे, उनको हम लेकर आए और उनके अनुभव का और उनके प्रयासों का हम जानकारी साझा करके फायदा उठा सके। धन्यवाद और फिर मिलने की आशा करते हुए हम आपसे प्लीज। जी जी, एक लास्ट मेरे पास एक व्हाट्सएप पे अलग से क्वेश्चन आया है, शायद डाला होगा लेकिन हम मिस कर गए। ये पूछ रहे हैं कि एफपीओ प्राइस कैसे फिक्स करता है प्रोक्योरमेंट के समय पे, काफी हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती हो, क्या वो एमएसपी देखता है या क्या वो क्या देखता है, तो इस पे अगर कोई आंसर दे सके, किसी एफपीओ ने डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा है। गोपेश जैन जी अगर इसको जवाब देना चाहे कि आप लोग जब अपनी कमोडिटी सेल करने जाते हैं तो प्राइस कैसे फिक्स करते हैं? प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं या सब प्रोक्योरमेंट की बात करें, आप जब फार्मर से प्रोक्योरमेंट करते हैं तब? सर देखिए, वीट के केस में दोनों सीजन का अलग अलग हमको फिक्स करना पड़ता है, दोनों सीजन अलग अलग है, दोनों सीजन के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। आपको अगर रबी सीजन में बात करें तो रबी सीजन में हम लोग एमएसपी पे जाते हैं क्योंकि इससे नीचे फार्मर नहीं प्रोवाइड करेगा। आप सीड के लिए काम कर रहे हैं तो सीड में आपको एमएसपी से नीचे नहीं जा पाएंगे क्योंकि फार्मर, अगर आपकी सीड की वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है लेकिन फार्मर के लिए नहीं, फार्मर चाहेगा तो बाजार में बेच देगा, तो वहाँ एमएसपी से नीचे नहीं जा सकते। और आप जो आप उसको प्रीमियम देना चाहते हैं वो उसके साथ ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। तो सेकंड थिंग, इधर खरीफ की बात करें तो खरीफ की सीजन में आप सोयाबीन या जो भी कमोडिटी लेते हैं उसमें हम लोग ये फिक्स करते हैं, फार्मर को कहते हैं कि भाई आप जो हमारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हमारी जो है, हम लोग क्या करते हैं फार्मर को ये बोलते हैं कि आप जो भी सोयाबीन या उड़द जो भी आप हमारे पास लेके आएंगे आप हमको स्टोरेज करवाइए, उसके बाद एक कट ऑफ देते हैं कि इस बीच में जो भी मंडी के हाईएस्ट रेट होगी उसे हम 100 रुपीज या 50 रुपीज ऊपर देंगे, तो फार्मर उस तक वेट करता है। और मुख्य रूप से मुझे लगता है कि ये बाजार आधारित मूल्य ही निर्धारित होता है कि जिस रेट पर बाजार में डिमांड है उसी रेट के हिसाब से ही उसकी प्राइस निर्धारित होती है, और अगर मंडी वगैरह है तो फिर निश्चित तौर पर मंडी का रेट अलग होता है, किसान मंडी का बेस भी लेके चलना पड़ता है। बाकी जो मंडी में भी प्राइवेट प्रोसेसेस के थ्रू और जो प्राइवेट मांग के थ्रू जो डिमांड आता है निश्चित तौर पे ये उसी के ऊपर आधारित होता है। डेफिनेटली रविंद्र भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली रविंद्र। हाँ जी, इसमें सर प्राइस के रिलेटेड मैं कहना चाह रहा था कि हम उसमें कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स देख देते हैं कि क्वालिटी का पैरामीटर्स का मटेरियल होगा, मीन जैसे कि बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल और अकॉर्डिंग टू मंडी से कंपेयर करते हैं हम, कि उसका फिर फार्मर्स को भी कन्विंस करते हैं कि तुम मंडी जाओगे तो तुम्हारा इतना खर्चा लग जाएगा, उतना मंडी का जो भी रेट है वो हम यहीं पे दे देते हैं, बट वो अलग अलग पैरामीटर्स में हम क्राइटेरिया बना देते हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो साथियों, मैं समन्वति पूरे टीम को, पूरे लीडरान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह इतना शानदार हिंदी भाषी क्षेत्र में एक बहुत ही प्रोत्साहक हिंदी में वेबिनार रख कर और ऐसे लीडरान को अवसर दिया जो कि अपनी बात, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इस तरह की करंट चुनौती में जो कर रहे हैं, उन्होंने यहां पर आकर अपने अनुभवों को साझा किया। हमारे बहुत सारे एफपीओ साथी जिन्होंने इसमें भागीदारी की, बहुत सारे अच्छे सवाल किए और बहुत सारे लोगों ने सवाल नहीं भी किए लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे की पूरी वेबिनार को समझ रहे थे, और आगे भी उनके साथ में हम लोग समन्वति के साथी हमारे उनके साथ में चर्चा जारी रखेंगे। जो भी बातें हुई यहाँ पर, चाहे मेंबर्स एंगेजमेंट को लेकर बहुत बढ़िया बात मिश्रा जी ने रखी और साथियों ने रखी, जो कि हमें और सिंधर सर ने भी काफी उसके ऊपर रिफ्लेक्शन
करने की कोशिश की, जिससे कि हम सभी लोग उसको और गहराई से समझें कि एफपीओ में सदस्यों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। इतना कोई चर्चा नहीं करता, मैं बहुत सारे वेबिनार में भाग लेता रहता हूं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि इसके ऊपर हम लोग काफी, हमारे सदस्यों ने, सभी साथियों ने, पैनलिस्ट ने अपने अनुभव साझा किए। क्षमता वर्धन क्या होना चाहिए, समावेशी क्षमता वर्धन, जो बिल्कुल अंतिम हमारा सदस्य है, बिल्कुल वंचित सदस्य है, जो बिल्कुल कम भूमि है उसके पास में, उसकी भी क्षमता वर्धन के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, कैसे उसको शामिल किया जाए, उसकी एकदम समावेशी भागीदारी एफपीओ में कैसे सुनिश्चित की जाए, और बाजार के साथ में प्रतिस्पर्धा या बाजार के साथ में अलग अलग अधोसंरचनाओं के साथ में, वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ में कैसे हमारा एफपीओ कॉम्पिटिटिव हो, प्रतिस्पर्धी हो, इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई। और वैल्यू एडिशन के बारे में और आत्मनिर्भर भारत की जो अभी नई स्कीम्स हैं उसमें कैसे वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज फैसिलिटीज हम अपने मेंबर्स को, अपने ग्रुप्स को दे सकते हैं, इन सब के ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सभी एफपीओ साथियों को आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी कि समन्वति एक इनोवेटिव अभिनव आईटी टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी तकनीकी है, जिससे कि सभी कृषकों का, उसकी पूरी कृषि का, उसके उत्पाद का डाटा समंग एकत्रित किए जा सके कृषक उत्पादक कंपनी स्तर पर, और उसको लेकर अलग अलग पार्टनरशिप स्थापित की जा सके, व्यवसायिक पार्टनरशिप, और वह पूरी तरह से एक समग्र, एक बृहद व्यवसायिक कृषक उत्पादक की योजना बनाने में और साथ में बहुत सारे लोगों का जुड़ाव करने में योगदान स्थापित करें, इसके बारे में हमने जाना। साथियों, ये तो मैं तो ये कहूँगा ये शुरुआत है, और मैं बहुत स्पेशल थैंक्स दूंगा अजीत को भी और सभी साथियों को जिन्होंने मुझे चुना इसमें भागीदारी के लिए, और हम लोग यह कार्यक्रम जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, अंत में यही कहूंगा समुन्नति गौर के और से सारे एफपीओ साथियों को धन्यवाद, इतना वक्त निकाला, और खास धन्यवाद प्रमिल गुप्ता सर आपके लिए, जो आपने ये सेशन बहुत ही अच्छी तरह से मॉडरेट किया हुआ है। एंड धन्यवाद देना चाहूंगा रविंद्र गौर जी से, धीरेन्द्र मिश्रा जी से, गोपेश जी से, एंड हमारे गौतम शर्मा जी से, एंड ऑल्सो मृणाल जी से, जो बात नहीं कर पाए बट 3 घंटा हमारे साथ रहे, ठीक है। तो इसके तो बहुत धन्यवाद, एज हम फिर मिलेंगे इसी आशा से हम विदा लेते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सर। Thank you, everyone. You can end the meeting. I'm ending the meeting for all right now. Yes. Thank you, Ramya. Thank you. Thank you. Thank you. All of you. Thank you. Thank you.